फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आई एस पी सी पॉसिबली, आई एम प्रेम कुमार। देखिए इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी इंटरव्यू का जो बेसिक गाइडेंस प्रोग्राम है उसको हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये वीडियो जो है 10th पिलर में रहेगा, आपको हर एक पिलर को हम लोग अलग से डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसको हम लोग मैराथन के रूप में डाल रहे हैं। आपको जैसे देख सकते हैं ये पहले आपको अपने बारे में या किस तरह से तैयारी करना है, बेसिक चीज़ें, ड्रेस वगैरह, एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट या हॉबी, फिर जॉब, उसी तरह से ऑप्शनल का सब्जेक्ट का, सिचुएशन, वेस्टर्न सर्विस प्रेफरेंस, करेंट का, बिहार का अलग से, नेशनल इंटरनेशनल अलग से, आपको थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन और जो जनरल क्वेश्चन है वो, और आपको ये सारा 10th पार्ट में ये हम लोग डाले हैं, आपको देखिए अच्छे से। और आपको इससे बाद आपको एक और डाल दिया है हम लोगों ने, ये मॉक इंटरव्यू, और आपको जो पहले लोग जो इंटरव्यू दिए उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और आपको मैराथन सेशन बिहार का और आपको नेशनल का डाला हुआ है, देख लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस पी सी एस पॉसिबली, आई एम प्रेम कुमार। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिक गाइडेंस फॉर 67 बीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि पर्सनैलिटी, तो ड्रेस के बारे में, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल एंड एटीट्यूड, ये फोर्थ आपको पॉइंट्स है जिस पे आपकी आपको वर्क करना है। ड्रेस कैसा होना चाहिए, तो जैसे कि मान लीजिए आपका वाइट शर्ट हो सकता है और आप कोट वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉक इंटरव्यू अगर आप देख लीजिएगा तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा या गूगल करेगा। और जो आपको फीमेल कैंडिडेट है वो साड़ी या सलवार सूट वगैरह पहन सकते हैं। देखिए बॉडी लैंग्वेज में वही चीज़ है, जैसे कि आप अगर चेयर पर बैठे हैं तो एकदम सावधान की स्थिति में बैठेंगे, पैर वगैरह हिलाना नहीं है और मूव नहीं करना है, एंड आपको हाथ को जो है अपने पैर को ऊपर रख के आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है और आई कांटेक्ट मैच कराना है जो भी इंटरव्यूअर रहेंगे उनसे। ऐसा लगना चाहिए कि आप एकदम मतलब कि उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आपको कम्युनिकेशन स्किल ऐसा रखना है कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उनको बताना, उसको अच्छे से डिलीवर कर सकें। एंड एटीट्यूड जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि उनको पॉजिटिव चीज़ें लगे और आप प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो भी सिविल सर्विस का पोस्ट है उसमें आकर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, इस तरह से आपका चीज़ें आपके बातों से झलकनी चाहिए। तो इस सब चीज़ पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग अलग से वीडियो डाले हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, आप SDM है, आपके दंगा हो गया तो कैसे करेंगे, आप ये DSP हैं, आपसे ऊपर के सीनियर बोल रहे हैं किसी क्रिमिनल को छोड़ने के लिए, वो सब हम लोग पीछे क्वेश्चन डाल चुके हैं, आप लोग देखकर उसको तैयार करने का प्रयास करेंगे। देखिए कम्युनिकेशन स्किल में जैसे हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश मीडियम में मेंस लिखा है बट हिंदी मीडियम में भी आप ये दे सकते हैं अपना इंटरव्यू, और जिसमें भी कंफर्टेबल हो। BPSC में ज़्यादा वैसा कुछ डिपेंड नहीं करता इंटरव्यू में, आपको बस चीज़ों को समझाना रहता है और अपना जो चीज़ है उसको जो इंटरव्यूअर है उनके सामने प्रेजेंट अच्छे से करना है। तो हिचकिचाना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, आपको अच्छे वे में सब चीज़ को करना है। ये सारा पॉइंट हो गया आपको अबाउट योर सेल्फ और पर्सनैलिटी के बारे में। और देखिए सेकेंड चीज़ है जो कि आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे आपने 10th कब किया है, कितना परसेंटेज मार्क वगैरह है, 12th कब किया है और ग्रेजुएशन कब किया है, अगर PG कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, BTech वगैरह जो भी किए हैं वो, और उसके बीच में और अभी जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बीच में कितना साल का गैप है, तो ये गैप क्यों है उसका एक आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए आप जो ऑप्शनल मान लीजिए अलग चूज किए हैं, जो ग्रेजुएशन में था, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन हिस्ट्री में किया है बट आपने ऑप्शनल जो है मान लीजिए आपने हिंदी लिटरेचर वगैरह ले लिया है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों आपने दूसरा ऑप्शन चूज किया और उसका यूज किया एडमिनिस्ट्रेशन में आप सिलेक्ट होने के बाद कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको अगेन ध्यान रखना है। और देखिए मैं अपना बता दूं, मेरा आपका ग्रेजुएशन BTech है और मैंने सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, और ऑप्शनल भी मेरा ग्रेजुएशन में यही सिविल इंजीनियरिंग है, तो और मेरा 2019 में पास हुआ हूँ मैं, तो अभी 23 में आप देख सकते हैं 4 साल का गैप है। तो मैं वैलिडेशन क्या बताऊंगा, जैसे बीच में कोरोना आ गया था, आप लोग भी दे सकते हैं, और मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट लेकर दूसरा ऑप्शन लेकर पढ़ना, फिर एक अलग सा सिलेबस हो जाता और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप था और आपको ऑब्जेक्टिविटी है, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग बहुत सारा पॉइंट तैयार कर सकते हैं, आप लोग इसको लिख कर तैयार करने का प्रयास करेगा। हम लोग पहले वीडियो में आपको करंट अफेयर का टॉपिक डाला हुआ है और एक मणिपुर वायलेंस भी डाला हुआ है, हम लोग चंद्रांतरी, दिल्ली फ्लड, ये सब टॉपिक्स लेकर आएंगे। मेन्स इंटरव्यू सभी के लिए रहेगा और आपको और भी कुछ
प्रिपरेशन का हम लोगों ने डाला हुआ स्ट्रेटजी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सबसे पहला था कि आपके बारे में और पर्सनालिटी के बारे में, और उसके बाद एजुकेशनल, और उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट या आपका क्या मतलब कि प्लेस होगा उसके बारे में। जैसे मान लीजिए मैं ईस्ट चंपारण से हूँ, पूर्वी चंपारण, तो उसके बारे में क्यों फेमस है, चंपारण का नाम चंपारण क्यों पड़ा, अगर मान लीजिए गया से तो गया का नाम गया क्यों पड़ा, और उस तरह से आपको वहाँ का क्या चीज़ें फेमस है। जैसे अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रामायण मंदिर बन रहा है ये पूर्वी चंपारण, उसके बारे में किसी से पूछा सकता है, अगर चंपारण से है तो वो पूछा ही जा सकता है। एक मैं आगे दिखाऊंगा अभी कि ये आपको चंपारण से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन अपने आप से तैयार किया है, उसके बारे में आप लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में तैयार कर सकते हैं। यू कैन सी यर फ्रेंड कि यहाँ पे मैंने ईस्ट चंपारण का तैयार किया, उस तरह से आप लोग जैसे वेस्ट चंपारण से होंगे तो वो भी तैयार कर सकते हैं। ईस्ट चंपारण मोतिहारी है जिसका इनाम बापूदा मोतिहारी पड़ा है, तो ये बापू जो चंपारण सत्याग्रह किए थे उसी के कारण है, तो ये सब फेमस है। उसके बारे में चंपारण के बारे में पढ़ लेंगे, नील की खेती कैसे होता था, क्या था तिनकटिया सिस्टम वगैरह, और ये देख सकते हैं मोतिहारी का नाम मोती सिंह और हरि सिंह के नाम पर पड़ा है, उसी तरह गया का नाम गयासुर के नाम पर पड़ा है। रामचंद्र सुख के बारे में वहाँ के कुछ पर्सनालिटी हो गए हैं, वहाँ के कुछ फेमस, जैसे किसी को जेट टैग मिला हो, या चंपारण मीट बहुत फेमस हो रहा है हांडी वाला, वो सब पढ़ लेंगे। बुद्धिज्म से कैसे रिलेटेड है केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में पढ़ लेंगे, अशोका का कुछ और चीज़ें हैं, वर्ल्ड का टोलेस्ट स्टूप वो देख लेंगे, और इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो चला सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह वहीं से चालू हुआ, बुद्धिस्ट स्तूपा के बारे में देख सकते हैं, गांधी संग्रहालय भी है, ठीक है, और यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल का मॉन्यूमेंट भी है, उस तरह से भी देख सकते हैं, ब्रिटिश बर्थ प्लेस उनका था, वो राइटर थे। अशोका का पिलर लौरिया राज में है, और नंदनगढ़ में भी आप लोग सुनते होंगे, 36 फीट हाइट का है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक अरेराज का टेम्पल है लॉर्ड शिवा के लिए, श्रावणी मेला वहाँ से रिलेटेड है, ये सब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड, तो ये उसका इम्पोर्टेंस के बारे में देख सकते हैं, उसका हिस्टोरिकल पोलिटिकल जियोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, तो ये सब, जैसे वहाँ का कुछ प्रॉब्लम मतलब कि वहाँ का कुछ लोकल प्रॉब्लम हो, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, या करप्शन चलता हो, या जो भी हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कास्ट पॉलिटिक्स हो, ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी हो, मान लीजिए वहाँ पे गन्ना की खेती या मकाना, जो भी जहाँ पे जो चल रहा हो उस चीज़ को आप बताइएगा, वहाँ का चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए सजेशन भी आप लोग दे सकते हैं। देखिए हॉबी के बारे में, तो हॉबी में जैसे कि मेरा हॉबी मैंने योगा डाला है, मान लीजिए यूट्यूब मेकिंग वीडियोज़ भी आप डाल सकते हैं, तो किस तरह का मेंटरिंग स्टूडेंट करना, या आप मान लीजिए करंट अफेयर का बर्निंग इशू पे टॉपिक्स बनाना, या मान लीजिए आपका क्रिकेट देखना या क्रिकेट खेलना या मूविंग देखना, ये सब हो सकता है, तो आप लोग उस पर तैयार करेंगे। जैसे मैंने योगा पे कुछ फेमस आपको यहाँ पे तैयार किया है वो क्वेश्चन, वो देख सकते हैं, जैसे योगा क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, पतंजलि योग क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम मुद्रा, अदर आस्पेक्ट्स ऑफ योगा क्या है, ठीक है, जैसे कि आपको आपके द्वारा कौन कौन सा योगा का फॉर्म प्रैक्टिस किया जाता है, उससे आप योगा से क्या सीखते हैं, योगा का इफेक्ट अपने माइंड और फिजियोलॉजी पे क्या पड़ता है, हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, वो सब, ठीक है। ये फिजिकल एक्सरसाइज जैसे जिम में किया जाता है उससे क्या अलग है, और मेडिटेशन से क्या इसमें रिलेटेड है, योगा का 21 जून को ही क्यों मनाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये किसी से भी पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिया गया है ये आपको योगा से रिलेटेड, तो ये सब तैयार कर सकते हैं आप लोग, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आगे देखिए तो आपको जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने पोस्ट प्रिफ्रेंस डाला होगा, तो मान लीजिए आपने पोस्ट प्रिफ्रेंस में DSP पहले डाला है या आपने ये SDM डाला है, तो क्यों डाला है वो बताना होगा, तो 3 नंबर पे किसी को डाला हो या एकदम डिफरेंट हो, तो वो सब के बारे में आपके पास वैलिड एक रीज़न होना चाहिए, आप जस्टिफाई कर पाएँ क्या रोल होता है, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो उस जॉब का, किस डिपार्टमेंट जॉब करने का कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो प्रिपरेशन इतना दिन से कर रहे थे तो उसका कुछ आप उसके बारे में बता सकते हैं, जॉब को अगर करके दूसरे में आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं। ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मान लीजिए हिस्ट्री जियोग्राफी है, उसका कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से मेरा कुछ ये ऑप्शनल है, तो जैसे कि मदर ऑफ इंजीनियरिंग बोला जाता है सिविल इंजीनियरिंग को, उसका फादर कौन है, जॉन स्मेटन है, इंडिया में M. Visvesaraya को 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाते हैं उन्हीं के जन्मदिन पर, ये सब बता सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट सिविल इंजीनियर थे इंडियन, ये विश्वेश्वरैया, फर्स्ट फीमेल सिविल इंजीनियर शकुंतला ये भगत थी, उस तरह से आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग या साइंस फिजिक्स वाले, जैसे फिजिक्स का कौन है फादर जियोग्राफी का, इस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक हम लोग ने किसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैंडिडेट का डाला था वहाँ पे देख सकते हैं। संसद भवन अभी बना है, तो मान लीजिए आर्किटेक्चर का नाम क्या था, बिमल पटेल, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा सकता है, मान लीजिए राम मंदिर बन रहा है उसका कुछ आप मैप वगैरह देख सकते हैं, फिगर क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि क्या किस तरह का उसका ड्राइंग है, उस तरह से पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पे भी कुछ रिलेटेड टेक्नोलॉजी या 4D 3D चल रहा है उसके बारे में, मान लीजिए पीसा की झुकी मीनार है तो क्यों झुका हुआ है, बुर्ज खलीफा के बारे में देख सकते हैं, अटल टनल, चेनाब, ये बिहार में अभी एक ब्रिज गिरा था उसके बारे में बता सकते हैं, बोगीबिल ब्रिज के बारे में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, या अपने गांधी सेतु के बारे में बता सकते हैं, सीमेंट स्टील, ये सब के बारे में बेसिक चीज़ें देख सकते हैं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का मैंने बता ही दिया, इसे अदर
डिस्ट्रिक्ट से कंपेरिजन करके भी पूछा सकता है। एंड ये चीज़ कोई फीमेल पर्सनालिटी फेमस हो या मान लीजिए क्या कंडीशन है आप बिहार का इंडिया में, जैसे SDG आप गोल के डायमेंशन के बारे में पढ़ सकते हैं, इंडेक्स के बारे में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ सकते हैं, NFHS का सर्वे पढ़ सकते हैं, क्या सेक्स रेशियो चल रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या चला है, सात निश्चय 2.0 जीविका है, लिकर बैन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग तैयार कर सकते हैं। सात निश्चय 2.0 में क्या क्या और उसका सब टॉपिक से उसको देख सकते हैं। जीविका वीमेन के सेल्फ हेल्प हेल्प या वीमेन एम्पावरमेंट में क्या सेल्फ किया, ये तो मेंस में भी आया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। 67th BBC मेंस का मॉडल आंसर किया हम लोगों ने डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं मेंस का मॉडल, ये आपको देख सकते हैं। और मॉडल मॉक का मॉडल इंटरव्यू हम लोगों ने डाला है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट चल रहा है, कैसा कंडीशन कैसे दूर करिएगा, बिहार में पॉवर्टी का क्या हाल है, यहाँ पर इंडस्ट्री कैसे डेवलप नहीं हो रहा है, बिहार किस किस चीज़ में पिछड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी क्यों है, लोग इंडस्ट्री की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, हंगर क्या इम्पैक्ट डालता है, एजुकेशन में क्या स्थिति है, हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये तो क्वेश्चन मेंस में भी आया होता है। उस तरह से क्या आप सोल्यूशन देना चाहेंगे बिहार के मतलब की ग्रोथ के और ज़्यादा बढ़ाने के लिए दूसरे जैसे साउथ इंडिया से कंपेरिजन करके, फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट देख सकते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया बिहार को कैसे बनाया जाए आप उसके बारे में, GI टैग से रिलेटेड जैसे कि मान लीजिए शाही लीची है या मान लीजिए मगही पान है, उस तरह से रिलेटेड करंट अफेयर्स बेसिक टॉपिक्स भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जैसे लेबर 20 G20 का आपको ज्ञान भवन पटना में हुआ उसके बारे में देख सकते हैं, ये सब मैंने बता दिया। तो इस तरह की चीज़ें आपको तैयार करनी है तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए ये सर्विस प्रेफरेंस मान लीजिए आपको अपने डाला, जैसे SDM है DSP है तो क्यों डाला है आगे पीछे उसके बारे में बताना है। सिचुएशनल बेस भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपके IQ से रिलेटेड मतलब ये चेक किया जाएगा, आपका फिजिक ये साइकोलॉजी चेक किया जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है, आपके अंदर मेच्योरिटी है कि नहीं, आपने केवल थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ा है क्या, कुछ अप्लाइड चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं उसके बारे में, करंट इशू से रिलेटेड मान लीजिए इंडिया से रिलेटेड पूछा सकता है, मणिपुर बैलेंस हो गया, दिल्ली फ्लड हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, और भी बहुत सारा UCC के बारे में हम लोगों ने आपको करंट अफेयर का टॉपिक 67वां BPSC के इंटरव्यू के लिए डाला था, आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। जैसे IR में है रशिया यूक्रेन वार, तो उसके बाद भी G20 है, L20 हो गया है, ये आपको बिहार में वो सारा चीज़ अभी KK पाठक न्यूज़ में, तो उसके बारे में देख सकते हैं। हॉलिस्टिक नॉलेज भी चेक किया जा सकता, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ये बीपर जो है आपका आया था कोई और न्यूज़ में चल जाए, तो उसके बारे में आपको देखते रहना है ये सारा चीज़, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं हम लोग ये चीज़ कि एक जिनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, दीप्ति मैम का बोर्ड था उसका। एंड उससे पहले ये फिर से दिखा देता हूँ मैं अपने बारे में, आपको अपना पर्सनालिटी के बारे में ये सारा चीज़ तैयार करना है, फिर आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड तैयार करना है, ये आप खुद से लिख कर तैयार कर पाएंगे कितना क्वेश्चन बन सकता है, उससे किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ करा भी रहे हैं। आपको होम डिस्ट्रिक्ट अपने प्लेस के बारे में जान लेना है, हॉबी के बारे में, जॉब के बारे में, कौन सा ऑप्शनल है, सर्विस प्रिफरेंस क्या डाला, अपना सिचुएशनल बेस क्वेश्चन तैयार करना है, करंट इशू का तैयार करना है, उसके बाद अपने ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार करना है। और ये देख लेते हैं हम लोग आपके हॉबी के बारे में और अपना जो भी चीज़ है करंट अफेयर से रिलेटेड और आपका ऑप्शन के बारे में वो सब तैयार करना है। देखिए दीप्ति मैम का बोर्ड था 65वां इंटरव्यू का, ये उनका ग्रेजुएशन था सिविल इंजीनियरिंग से, लेकिन इनसे सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आप देख सकते हैं। ये हिंदी लिटरेचर उनका ऑप्शनल था, इन्होंने BTech के बाद चेंज किया हुआ है, देख सकते हैं 25 मिनट के साथ 8 पासिंग का इंटरव्यू था। हॉबी इनका था ऑडियो बुक सुनना, अपना हॉबी आप लोग तैयार कर सकते हैं, कि उनसे पूछा गया चेयरमैन जैसे दीप्ति मैम पूछी होंगी ग्रेजुएशन कब किए, किस सब्जेक्ट से किए, मान लीजिए अपने 2019-20 जब किया बताइए, किस सब्जेक्ट से किया है, वो हिंदी जियोग्राफी जिसे भी किया वो बताइए, अगर मान लीजिए जो ऑप्शनल था वो उससे अलग आपने ऑप्शन लिया है, जो ग्रेजुएशन है वो क्यों लिए हैं इसके बारे में बताइए, इस परीक्षा में विषय क्या है तो आपने ऑप्शन बताइए, तो ये सारा चीज़ आपको बताना है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप लोग खुद से सोचिएगा आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि हर का अपना ये मतलब कि डिपेंड करता है कि किसका क्या रीजन है, क्यों वो चुने हैं वो सब, आप पे कोई एकदम अलग से इंजीनियरिंग से एकदम अलग हिंदी चुने हैं तो उसका क्या रोचक चेंजिंग का आपका ये है और किस में आपका रुचि है, ये हॉबी के बारे में पूछा गया। आप हिंदी ऑप्शनल है तो मान लीजिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग उनका ऑप्शनल था, मतलब ग्रेजुएशन था लेकिन ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग, ये हिंदी लिटरेचर है तो उनसे सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन ही पूछा गया। अगर सिविल इंजीनियर नहीं है तो उनके बारे में जानकारी नहीं होगा तो ऑप्शन से पूछे, जैसे प्रेमचंद के उपन्यास के अलावा किसी और का उपन्यास पढ़े हैं तो आप लोग और किसी का उपन्यास जैसे मैला आंचल हो गया या जो भी है आधे अधूरे भी ये सब बता सकते हैं। मैला आंचल कैसे अलग है प्रेमचंद के उपन्यास से, ये पूछा गया, जिनका हिंदी होगा ये तैयार कर सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पे क्या कोई फिल्म बनी है उसका नाम बताइए, क्या तीसरी कसम फिल्म बनी तो उस किस उपन्यास पर आधारित है, आपने फिल्म देखा, अगर नहीं देखा तो फिर जानते हैं तो किससे जानते हैं, तो ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बना, जैसे न्यायपालिका से संबंधित कुछ तथ्य वो बोले
कुछ फैक्ट, और उससे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि न्यायपालिका अपने दायरे को, अपना जो लिमिट है उसको क्रॉस करके अपना मतलब काम कर रही है, अपना विचार भैया बताइए। जैसे जुडिशरी है जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो काम है उसमें भी आपको हस्तक्षेप कर रही है, तो इसके बारे में आपको जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू ये सभी तैयार करना है, जो मेंस में आप पढ़े हैं उसका कुछ फैक्ट वगैरह भी। जैसे मान लीजिए दिल्ली में पटाखा बैन करना था, ये ग्रीन क्रैकर्स लागू करना था, वो ये था नेशनल हाईवे से 500 मीटर पर शराब नहीं बेचा जाएगा, ये सब जुडिशियरी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था। मेंबर वन देखिए ये पूछ लिया आपको चेयरमैन, उसके बाद मैडम वन के बारे मेंबर वन ने पूछा, बताइए कि जो मैडम ने न्यायपालिका का जो क्वेश्चन पूछा आप हाँ या ना में दें, अगर आप हाँ या ना में आंसर देते हैं तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हैं हाँ जुडिशियल एक्टिविज्म में ये सुप्रीम कोर्ट मतलब कि अपना हद पार कर रही है, अपना लिमिटेशन, बट ये बहुत अच्छा मतलब कि जो काम वो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसमें दे रही है डिसीजन, मतलब कि समाज के हित में ही है, सुओ मोटो में भी लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जैसे मौसम परिवर्तन, सीजन परिवर्तन और मौसम चेंज, देखिए वेदर चेंज और आपको ये वेदर चेंज और सीजन चेंज ये सब के कौन सा फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सब बताना है। जैसे पोल्यूशन हो गया, ग्रीन हाउस गैस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब बताना है आपको। जैसे कि दिल्ली में ही हो गया, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है, दिल्ली में फ्लड भी आ गया, तो ये सारा चीज़ आपको बताना होगा। बिहार में मौसम का डिलेड मानसून है, इसके बारे में भी आप लोग तैयार कर सकते हैं इस बार के क्वेश्चन के लिए। पहले रोड अच्छी नहीं बनती थी, अब रोड अच्छी बन रही है, इसके बारे में बताइए। क्या यूपीएससी दिए हैं, तो हाँ दिए हो तो फेल किए हैं, पास किए हैं, इसके बारे में पूछा। इथिक्स क्या है, इथिक्स किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में आपको मान लीजिए सिचुएशन बोस क्वेश्चन है, आप पे एडीएम है, आपका दोस्त आया है, क्या आपको आप उस सरकारी गाड़ी में घुमाएंगे, अगर नहीं घुमाएंगे तो क्यों नहीं घुमाएंगे, घुमाएंगे भी तो क्यों घुमाएंगे, इसको आपको जस्टिफिकेशन के लिए आंसर होना चाहिए। और आपको मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जाएगा कि कोई दूसरे एडीएम है जो घुमा रहे हैं अपने दोस्त को, तो क्या आप ही घुमाएंगे, तो इसमें देखिए अगर इथिकल देखा जाए तो अपने दोस्त को आप नहीं घुमाना चाहिएगा। क्यों नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि आप एक एडीएम है और सरकारी ये काम के लिए है, सरकारी आपका जो व्हीकल है उसका यूज़ होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं होना चाहिए, और शॉप के लिए तो और नहीं होना चाहिए, लोग यूज कर लेते हैं ये अपना पर्सनल यूज के लिए, लेकिन वो गाड़ी का नंबर जो आगे लिखा रहता है एसडीएम या एडीएम, और उसका नंबर पे एक लाल मतलब कि कवर कर दिया जाता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। देखिए मेंबर जो अगले मेंबर थे उन्होंने पूछा कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ फोर्थ पिलर क्या है, क्या इसका पतन हो रहा है, मीडिया का क्या दुरुपयोग हो रहा है, और इसके बारे में जैसे सोशल मीडिया का अवरदान या अभिशाप ये सब भी तैयार कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है ये सोशल मीडिया को मतलब कि अच्छा वर्क करे, मीडिया का दुरुपयोग नहीं हो, सही खबर कहाँ से पढ़े, जैसे आप बोल सकते हैं कि पीआईबी से पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, डीडी नेशनल है, राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है, ये सब आप लोग बोल सकते हैं। आप तो संसद टीवी बन गया है, बहुत समय लग गया आपके इंटरव्यू में, इंटरव्यू ने लास्ट में बोला स्माइल करते हुए, तो अब बस आप जा सकते हैं। तो इस तरह का आपको सारा चीज़ें तैयार करना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हम लोगों ने एक शक्ति सामंत सरकारी बोर्ड का इंटरव्यू क्वेश्चन किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस डाला था, आप लोग देख सकते हैं, और भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं या वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, सर्च भी करिएगा आईएएस पीसीएस पॉसिबली बीपीएससी इंटरव्यू 67 जो भी, तो आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में या वीडियो में सेक्शन में जाइएगा आपको चीज़ें मिलेगी। तो जैसे कि हम लोगों ने करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सपेक्टेड डाला हुआ है, कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी डाला हुआ है, करंट अफेयर्स का टॉपिक जैसे कि आपको मणिपुर वैलेंस डाला हुआ है, आपको बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं उसमें जाकर, और भी चीज़ें हम लोग लेकर आएंगे तो आप लोग बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक, और अगर आपको प्रोसेस से रिलेटेड कुछ डाउट हो जैसे कि ईबीसी एनबीसी जो भी है आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, सर बीपीएससी इंटरव्यू करके ऐसा चैनल है, वहाँ पर बहुत लोग हैं अपना, वहाँ पर भी इंटरव्यू क्वेश्चन सेशन चल रहा है, तो उस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें मेन चीज़ क्या, तीन प्रिपरेशन लेवल पर तैयारी हुआ, एक होगा कि आपका जितना भी ये सारा चीज़ मैंने बोला कि मतलब कि जो इंटरव्यू का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड उसको आप लोग तैयार करेंगे लिख लिखकर, दूसरा होगा कि आप मिरर के सामने आप अपना घर पे ही अपना या दोस्तों के सामने आप लोग तैयार करेंगे, और तीसरा होगा मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करेंगे, तो ये तीन चीज़ से आपका मतलब कि तैयारी हो जाएगा और अच्छा इंटरव्यू आप लोग का जाएगा और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपका कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम लोग आप लोगों के साथ बने रहेंगे, और इंटरव्यू आपका 11 सितंबर से आपको टेंटेटिव है, और रिजल्ट जो है 15 सितंबर तक आने को उम्मीद है, तो आप लोग अभी से ही तैयारी करें, ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, जुलाई खत्म होने वाला है और अगस्त एक मंथ बचेगा, 10 दिन उधर, तो आप मान लीजिए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब तैयार करेगा, अपलोड ऑनलाइन इस बार करना है। तो प्रोसेस जैसे होता है कि इंटरव्यू में मतलब कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल क्या होता है, वो भी हम लोग एक अलग वीडियो लेकर आ जाएंगे अगर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो। एंड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग 69 आपको बीपीएससी पीटी एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन एंड यूपीएससी, ऑल द बेस्ट, बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस पीसीएस पॉसिबली, आई एम प्रेम कुमार एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 67 बीपीएससी इंटरव्यू, यह पार्ट टू नंबर का वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 67 बीपीएससी इंटरव्यू बेसिक गाइडेंस पार्ट वन करके डाला हुआ है,
आपको कम्युनिटी में भी और वीडियो में भी मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, ये बीपीएससी इंटरव्यू के लिए हम लोग 10 पिलर पे हैं, इसको क्लासीफाई करके आपको बेसिक बताया है। देखिए जो लोग मतलब कि बेसिक इंटरव्यू का अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं, उनके लिए है, और नहीं तो थोड़ा सा आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अपने बारे में अबाउट योर सेल्फ जानकारी रखें, जैसे कि आपका नाम, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा 10th 12th कब किए हैं, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट के किए हैं, जॉब कर रहे हैं तो उसके बारे में, सर्विस प्रेफरेंस क्या है, हॉबी क्या है और अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बोल देना है ये सब। और फिजिकल अपीयरेंस, वहीं ड्रेस वगैरह सब पिछले वीडियो में बता दिया गया हमने। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कि किस तरह का आपका तैयार करना है, और एक बिहार रिलेटेड और ये होम डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो ये देखिए, ये जैसे कि हॉबी है उसको भी हम लोग, अगर योगा का बोलिएगा तो मैं इसको करा दूंगा, और अगर आप बोलिएगा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपको अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना सिविल इंजीनियरिंग है तो मैं उसके लिए अगर बोलिएगा तो करा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। करंट इशू का क्वेश्चन ये हम लोगों ने 1 घंटा 20 मिनट या 10 मिनट का वीडियो डाल दिया है, आप लोग उसमें बहुत सारा ये टॉपिक्स है, मणिपुर हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, राहुल गांधी मोदी शॉर्ट नेम केस हुआ वगैरह वगैरह, दिलीप प्लॉट सब डिस्कस किया हुआ, जाकर देख सकते हैं। और बिहार का भी हम लोग लेकर आने वाले हैं, और लिकर वैन तो डाल दिया है, और भी कुछ टॉपिक्स को ऐड करके मैराथन टाइप का लेकर आएंगे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ये हम लोग जैसे इंटरव्यू ये रिजल्ट आता है उसके बाद करने का प्रयास करेंगे। ये एक्चुअल क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं खुद से, या हम लोग लास्ट में करा देंगे, जैसे कि सर्वे बजट के थ्रू कोई स्कीम हो गया, कोई नया मतलब कि सरकार के द्वारा कुछ अचीवमेंट है वो सब, और अदर्स में मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं, और मॉक इंटरव्यू दीजिएगा भी जब रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का ये स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपको क्या क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इसमें कि आपका जो है स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, जैसे कि 10th आपने कहाँ से किया, तो 10th जैसे कि मान लीजिए किसी ने कब पास किया उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। और मान लीजिए किस स्कूल से आपने किया ये भी आपको दिखाना होगा। एंड सेकेंडली आपका जो मतलब कि इंटरमीडिएट का पढ़ाई है 12th, वो कब किया आपने और कौन सा, ये सब मेरा हुआ है। और उसके बारे में जैसे जो नाम है, जैसे मान लीजिए DAV है तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, उसका हिस्ट्री और उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे जहाँ से हैं उसके बारे में। और गैप वगैरह है अगर मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में और इंटरमीडिएट में, तो उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और देख सकते हैं जैसे कि ये अगर कोई कोची या मतलब कि वहाँ से कैसे किया है, तो कोचिन में ही वास्को डी गामा आया था इसके बारे में आपको जानकारी हो तो वहाँ का राजा कौन था इस तरह का। और अगर मान लीजिए आपने जैसे कि किसी नवोदय से किया तो उसके बारे में पता होना चाहिए, या जो भी है आपका यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आपको BRABU है, भीमराव अम्बेडकर, या DU है उसके बारे में पता होना चाहिए, जामिया मिलिया है उसके बारे में पता होना चाहिए, ये सारी चीज़, ठीक है फ्रेंड। और देखिए आगे में है आपका सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका हिस्ट्री है, जोग्राफी है, कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो उसके बारे में, और मान लीजिए आपने कोई इंटर्नशिप किया उसके बारे में थोड़ा सा, और जॉब कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए आपका कौन सा इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे कि आपका ग्रेजुएशन और जॉब के बीच में गैप है, या अभी अपेयर हो रहा है उसके बीच में गैप है, तो उस गैप को जस्टिफिकेशन करने के पास आपके पास मतलब कि एक सॉलिड ये होना चाहिए प्रूफ। और मान लीजिए कि आपने कोरोना का भी थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं चाहिएगा, तो अगर इंजीनियरिंग किया तो बैकअप ऑप्शन पूछा जाए तो वो भी आप डाल सकते हैं। सब अपना सब्जेक्ट से अपना मतलब कि तैयार करना है आपको, मान लीजिए अलग है जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री में, आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है, ठीक है, या हिंदी है, तो आपको उसके जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास आंसर होना चाहिए और क्यों लिए है इसका होना चाहिए, ये सारी चीज़। और मान लीजिए अभी कोई PG कर रहे हो या कोई और कोर्स किए हो, जैसे बहुत लोग मीडिया का कोर्स कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई आपको यूनी से भी PG वगैरह एंथ्रोपोलॉजी या कुछ भी कर रहे हो तो उसको भी बताना होगा, या कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हो तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अदर्स में कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग समझ लेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके क्यों मतलब इस सब्जेक्ट का क्या यूज है, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपको क्या हेल्प मिला, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन। और नेक्स्ट में हम लोग ये थोड़ा सा देख लेंगे डिस्ट्रिक्ट और बिहार से रिलेटेड किस तरह का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब करिएगा, और करंट अफेयर का वीडियो जरूर देख सकते हैं आप लोग जाकर। हेलो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ISPCS पॉसिबली। आई एम प्रेम कुमार, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 67 BPSC इंटरव्यू, पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इसमें हम लोग होम स्टेट यानी आपका जो भी स्टेट है वो, और होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में कैसे प्रिपरेशन करना है उसको हम लोग यहाँ पे टैकल करेंगे। एंड बिहार के बारे में मतलब कि एब्सोल्युटली आपको जानना ही पड़ेगा, किसी भी आप स्टेट से हो, UP से हो, MP से हो, राजस्थान से या झारखंड से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। पार्ट 2 में हम लोगों ने एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे तैयार करना है
आपका वो कौन कौन सा पिलर है, कैसा पॉइंट मतलब कि आपको कवर करना है, किस तरह का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो हम लोगों ने करा दिया, जाकर देख लीजिएगा। एक बेसिक मतलब कि पार्ट वन डाला गया है जिसमें कि इंटरव्यू का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, अगर फर्स्ट मतलब कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं कुछ आइडिया नहीं हो तो वीडियो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में चले जाएगा, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का हम लोगों ने पूरा एक मैराथन टाइप का 1-1.5 घंटे का डाल दिया, उसमें पूरा जितना भी अभी विवादित मुद्दा है, मणिपुर से लेकर नू वायलेंस से लेकर चंद्रयान 3, दिल्ली फ्लड, आपको राहुल गांधी का केस से लेकर जितना भी है, लिकर बैन सब डाला हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। बिहार का कुछ करंट अफेयर भी है और हम लोग आगे भी लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और देखिए इसमें बिहार से ये हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद बिहार से रिलेटेड और भी हम लोग कुछ करंट का ये इशू लेकर आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ कि मतलब कि बिहार के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री आपको आइडिया होना चाहिए कि बिहार का नाम कैसे पड़ा, ये बिहार होता था ठीक है, और उसका कुछ कुछ राजा या जो भी है बिहार के योगदान में जिनका कुछ योगदान हो, जैसे मान लीजिए नालंदा है तो वो बख्तियार खिलजी से रिलेटेड या अशोक से रिलेटेड जो भी है, ये सब आपको थोड़ा सा देखना, जियोग्राफी थोड़ा सा कौन सा नदी किधर से बहता है, क्या होता है, जो प्री में पढ़ते हैं ना उस तरह का कुछ कुछ चीज़ें आपको कर लेना है, हो सकता है मतलब कभी कोई पूछ ले, तो इंटरव्यूअर का कोई ये नहीं है गारंटी, तो इसलिए कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे उड़ीसा से अलग हुआ, ये सारा चीज़। और देखिए एक है कि जैसे कि पर्सनालिटी, तो मान लीजिए बिहार के बहुत सारे आप लोग पर्सनालिटी का नाम बता सकते हैं, आपको श्री कृष्ण सिंह से लेकर आपको जितना भी बी कुंवर सिंह हुए, या आप अभी जितने भी लेटेस्ट देख रहे हैं आपको कैबिनेट हो गया या कोई और भी चीज़ जैसे आनंद कुमार का नाम, या जिस फील्ड में आपको देखना है उसका एक करंट अफेयर जो आता है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और फीमेल का पर्सनालिटी बहुत लोग नहीं बता पाते हैं मॉक इंटरव्यू वगैरह में, मैंने देखा है, तो इसके लिए आप लोग जैसे भावना कांट हो गए, शिवांगी सिंह हो गई, या आपको सुभद्रा देवी जिनको अभी पद्मा अवार्ड मिला है, या मान लीजिए अभी मृदुला सिन्हा जो आपको गोवा की फॉर्मर गवर्नर थी, इंदु प्रभा सिंह जो पटना हाईकोर्ट की चीफ जज रही थी, डेथ हो गया, तो उन सब का नाम आप लोग देख सकते हैं, और भी बहुत सारा है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे शारदा सिन्हा हो गई, या मान लीजिए अभी मोनिका दास हो गई, ये स्टेट आइकन बनी है इलेक्शन की, ये ट्रांसजेंडर है, और ये मैथिली ठाकुर हो गई, खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है वगैरह, आप लोग ये सब चेक कर लीजिएगा, इतना तो मैंने काफ़ी बता दिया। देखिए बिहार का कंडीशन क्या है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा रिपोर्ट है, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इंटरनेट यूज में हो गया, हेल्थ इंडेक्स में हो गया, बहुत सारा सोशल प्रोग्रेस, इसका हम लोगों ने एक वीडियो भी डाल दिया था, अगर प्ले लिस्ट में देगा तो मिल जाएगा। और जैसे इसी पैटर्न पे आपको जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में तैयार करना है, जैसे कि पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण से मैं हूँ, मैंने अपने चंपारण डिस्ट्रिक्ट का ये एक डाला हुआ वीडियो, आप उसको देखकर अपने मतलब डिस्ट्रिक्ट का आप लोग उसको तैयार कर सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसी लाइन पे। और ये देख सकते हैं ये किसी स्टेट के साथ कंपेरिजन करने के लिए बोल दिया, जैसे मान लीजिए मैंने केरला से पढ़ाई किया ग्रेजुएशन बीटेक, और ये बिहार की कंपेरिजन आप उसको कैसा लग देखते हैं, इस तरह से भी चीज़ें, जैसे आप दिल्ली से पढ़े हो या आप मान लीजिए कहीं और से पढ़े हो, यूपी में पढ़े हो, BHU कहीं पर, तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है। तो जहाँ रहे हो वहाँ भी जैसे होम स्टेट हो गया, या जहाँ जहाँ आपका मतलब जिस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिस स्टेट में कहीं पढ़ने गए हो या जॉब करते हो उसके बारे में थोड़ा सा, जैसे नोएडा में कोई जॉब कर रहे हो तो नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी मैंने मॉक में देखा था, उस तरह से सारे चीज़ें आपको तैयार करते रहना, जितना भी आपको एक्सपेक्टेड हो सके क्वेश्चन, और ये कर लेना है। देखिए मुझसे जितना होगा मैं आप लोग साथ हमेशा शुरू से भी हूँ, मेंस के समय में भी हम लोगों ने अपने चैनल प्रेमम वर्ल्ड सिविल चैनल पर कराया था, प्रेमम, प्रेम में AM लगा दीजिएगा और वर्ल्ड सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। तो इस चैनल पे हम लोग मतलब उस चैनल पे UPSC का बहुत सारा हम लोग UPI वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पे BPSC के लोग बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो हम लोग इसी पे IS पॉसिबली पे ही ये आपको BPSC से रिलेटेड चीज़ें करेंगे, और इस पे UPSC वाले जुड़ सकते हैं। ओके देखिए तो लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ चल रहा हो करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे देखिए अभी मनीष कश्यप का न्यूज़ चल रहा है, तो मनीष कश्यप को क्यों सजा मिला था, क्यों बिल मिल रहा है, क्या उसके रिलेटेड डेवलपमेंट चल रहा है, वो सारा चीज़ आपको करते रहना है, किस हद तक सही है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, ये सब। अभी मान लीजिए मिसेज इंडिया बनी है ये रोहिणी झा करके आई थिंक ये नाम होगा, जो पटना के असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। कोई स्कीम चल रहा हो जैसे 7 निश्चय तो बहुत मतलब फेमस है, ये तो चल ही रहा है, जीविका लिकर बैन है ही, उसके अलावा जैसे मिशन परिवर्तन हो गया अभी हेल्थ को लेकर चल रहा था, या अभी बहुत सारा चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बायोफ्यूल पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी भी है, स्टार्टअप पॉलिसी है ठीक है, ये सब देख सकते हैं। और जो भी आपके मतलब कि कुछ कुछ स्कीम में आपको मिल जाए करंट अफेयर वगैरह में, तो इडुटेरिया या SPD का जो भी लेटेस्ट वाला आया हो आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब देखिए इसमें ये सारा चीज़ है, ये लास्ट में हम लोग देखेंगे इशू और सोल्यूशन, ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट और ये बिहार दोनों के लिए रहेगा, क्या इशू चल रहा है, क्या सोल्यूशन होगा। मान लीजिए मेनली अगर नहीं भी आता है ना, तो ये गरीबी हम लोग के बिहार के किसी भी मतलब कि हर जगह है, और ये MPI रिपोर्ट वाले में मैंने बताया भी था, 33.76% के आसपास लोग जो है बिहार में
अभी गरीब हैं, और 13.5 करोड़ लोग तो गरीब इंडिया से गरीबी से निकल कर बाहर आए हैं, लेकिन ये बिहार का स्थिति है, इसको ध्यान रखना है। इंडस्ट्री में बिहार अभी बहुत पीछे है, इस चीज़ को आप बता सकते हैं क्यों पीछे है, इसके लिए आपको सोल्यूशन क्या होगा ये भी बताना होगा, रीजन सोल्यूशन ये चीज़। एग्रीकल्चर में ही डिपेंडेंस है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीकल्चर पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंसी, एजुकेशन में जैसे कि कितना टीचर पे पू रेशियो है, ये सारा चीज़, मान लीजिए हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है, ये मैंने कराया था आपको ये रैंक ऑफ बिहार डाटा वाले टॉपिक्स वीडियो में। हंगर का रिलेटेड बहुत सारा है, ये SDG का आप लोग बता सकते हैं कुछ चीज़। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तो है ही, जैसे इसके लिए क्या सरकार काम कर रही है, क्या योजना है, ठीक है, ये स्टेप्स क्या है, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा। ये आप मेंस वाला टॉपिक से इसको कर लीजिएगा अपना, अगर नोट्स बनाए होंगे ना तो ये, या ये सब प्री से हो जाएगा और ये मेंस हो जाएगा कुछ करंट अफेयर्स से। और इंटरव्यू क्या है, प्री मेंस इंटीग्रेटेड, आपका कम्युनिकेशन स्किल और जो विवादित मुद्दे उस पर एक अपना व्यू पॉइंट होना चाहिए। आपका पर्सनैलिटी तो आपको अब डेवलप करने में बस मतलब उस पर आप एक तरह से चमक ला सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऑफिसर की तरह से सोचिए कोई भी चीज़ को, तो उसका सॉल्यूशन लाने का ये आपका डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। ठीक है, बिहार सेल्फ डिपेंडेंट अभी है या नहीं है, किस तरह से बनेगा आत्मनिर्भर बिहार, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा चीज़ होना चाहिए। और जैसे करंट अफेयर में जैसे बहुत सारा ये भी पूछा जा सकता है कभी कभार, जैसे कोई GI टैक्स न्यूज़ में है तो मान लीजिए जैसे पहले भी मकई पान है, मरचा राइस है, जरदालू आम है, कतरनी चावल है, साइड ची है, मुजफ्फरपुर का मखाना है, जरदालू आम भागलपुर का है, मधुबनी पेंटिंग है, और जितना भी मतलब पुराना है, लेकिन इतना आइडिया होना चाहिए कि ये सब 15 GI टैग मिल चुका है, 15, और इतना मतलब कि लेटेस्ट में है। और कुछ डाटा वगैरह जो हम लोगों ने डाल दिया था, NFHS का आप लोग सर्वे देख सकते हैं, सिक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट कितना चल रहा है, ये 61.8% आई थिंक, ये आपको ये चेक कर लीजिएगा एक बार, ये आपको सेंसस का डाटा होगा, लेकिन अभी NFHS है, आप किसी और का अगर इकोनॉमिक सर्वे का भी होगा वहाँ से भी आप लोग लेटेस्ट ये सर्वे ये लिटरेसी रेट चेक कर सकते हैं। और सिक्स रेशियो अभी बिहार का 1000 आई थिंक 90 हो गया, ये भी आप मैंने उसमें कराया था, और इंडिया का अभी 1020 ही है, और ये आपको सेंसस के अकॉर्डिंग तो बहुत पीछे है, तो इसको भी आपको अपडेट कर लेना है। और कुछ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ये जो डाटा वाला मैंने बोला इसको आप लोग उनको मैंने करा दिया है, तो 8 थीम्स है और ये 2 टॉपिक्स मेंस का है, तो ये कर लीजिएगा तो आपका मेनली काम हो जाएगा। तो ये तो आपको प्री के परस्पेक्टिव से भी 69 अगर दे रहे हो तो उसमें भी हो जाएगा, तो मैंने इसको कराया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। और ये मेंस का परस्पेक्टिव अगर टाइम मिला तो ये सारा टॉपिक्स मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा, और ये सब तो कुछ कुछ हम लोग कर ही रहे हैं। और जैसे देखिए जैसे कि चंपारण हो गया, तो ये जैसे कि मैंने किस तरह से वो डिवीज़न हुआ, सारण से कैसे निकल कर आया, उसमें चंपारण सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे भी पूछा जाता है, तो वो सब आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम चंपारण जैसे है या गया है या मधुबनी है तो क्यों नाम पड़ा है, ठीक है, वो सारा चीज़, कोई पर्सनैलिटी वहाँ के हैं, कोई नया डेवलपमेंट चल रहा है करेंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्तूपा ये केसरिया ये चंपारण बना, ये आपसे भी पूछा सकता है, कहीं और डिस्ट्रिक्ट से भी हो लेकिन ये वर्ल्ड का है, तो इसको ध्यान रखते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा काम हो रहा हो, किसी चीज़ में टॉप कर रहा हो, वो सारा चीज़, ठीक है। और कुछ ये टूरिस्ट से रिलेटेड चीज़ें या हिस्टोरिकल चीज़ें देख लेना है, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नदी कहाँ से बह रहा है, ये जैसे गंडक नदी यहाँ से बहती है, वो सारा चीज़, गंगा आपके यहाँ से बह रही है नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है क्या, कोई अदर स्टेट से टच करता है क्या, मान लीजिए यूपी है इधर 8 डिस्ट्रिक्ट से टच करता है, झारखंड है नीचे 8 डिस्ट्रिक्ट से, इधर बंगाल है 3 डिस्ट्रिक्ट से, नेपाल है 7 डिस्ट्रिक्ट से, तो वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण दोनों नेपाल से टच करता है, और आपको सीतामढ़ी है, मधुबनी है, आपको सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ये सब नेपाल से टच करते हैं, तो उस तरह से याद करना होगा आपको ये सारा चीज़। मान लीजिए नील की खेती हिस्टोरिकल है तो ये सारा चीज़, अगर मान लीजिए कुंवर सिंह से रिलेटेड है वो सब, ठीक है, कि पॉपुलेशन में क्या स्थिति है, एरिया में लिटरेसी में क्या है, मान लीजिए पूर्वी चंपारण का लिटरेसी जैसे मैं बता सकता हूँ, या तो उस तरह से आप लोग भी देख लेंगे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारा जो अब ऊपर बताया वहीं सब उसको सॉल्यूशन लाने के लिए आप क्या प्रयास करिएगा, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल कुछ और चीज़ है, ये आप विकिपीडिया से भी तैयार कर सकते हैं, गूगल पे जाके या कोई यूट्यूब पे पढ़ाया हो, या बहुत सारे बुक में भी ये चंपारण का या सॉरी मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का या करंट में भी दिया रहता है, तो वहाँ से भी आप लोग कुछ कर लीजिएगा। KBC ये आपको आपको इसमें भी मिल जाएगा, एक और KBC में मिल सकता है, या आपको बुक है जैसे कि आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट का दिया रहता है, और बुक है उसका प्रकाशन मैं भूल रहा हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये सारा चीज़ कर लीजिएगा। और हॉबी अगर बोलिएगा तो मैं योगा नेक्स्ट वीडियो लेकर आ सकता हूँ, हॉबी ये मतलब किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है करंट अफेयर में, जैसे रूल 267 ये इंटरव्यू में पूछा भी जा रहा था, अभी हाल ही में मैंने ऑडिटर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुन रहा था, और उसमें रूल 176 क्या है, ये रूल नंबर पूछना चाह रहे थे लोग, नहीं बता पा रहे थे, तो इस तरह से छोटा छोटा जो भी चीज़ विवादित उसको हम लोग देख लेंगे। दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया है, राज्यसभा लोकसभा उसको देख लेंगे, OBC में जस्टिस ये रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट, और बहुत सारा टॉपिक्स हम लोगों ने डाल दिया है, जैसे कि मणिपुर हो गया, नो वायलेंस हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, आपको
यूसीसी हो गया, लिकर बैन हो गया, ठीक है। और आपको अभी हम लोग लेकर आने वाले हैं बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, बिहार का मतलब कि रैंक वाला डाल ही दिया है हम लोगों ने, बिहार का कुछ करंट अफेयर भी डाल दिया है। जैसे कि मान लीजिए ये रूपी या डिजिटल करेंसी जारी करने वाला पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौन है, तो ये पटना है, तो इसको भी आपको आइडिया होना चाहिए, कुछ पूछा जा सकता है। अगर बताइए बिहार में क्या कोई स्टॉक एक्सचेंज है क्या, आप लोगों को कमेंट बताना है ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको तैयार करना है, और जिस तरह से आपको मेरे पास और चीज़ें मतलब कि तैयार करता रहूँगा, आप लोग के साथ बताता रहूँगा, तो जुड़े रहेंगे। ये 10 पिलर्स पर हम लोगों ने बात किया था, वो वीडियो आप लोग देख भी सकते हैं, पार्ट टू में डिस्कस किया हुआ, पार्ट वन में भी। तो मॉक इंटरव्यू आप लोग देखते रहेंगे अभी, और जैसे ही रिजल्ट आता है हम लोग अपडेट करेंगे। मॉक इंटरव्यू आप लोग दीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ के आप लोग अपना मतलब कि डाउट कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपना दे सकते हैं, किसी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। जैसे बिहार से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मान लीजिए वहाँ के अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फॉलो कर रहे हो, तो ये कमेंट में बता सकते हैं। और कोई बिहार का इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो तो उसको आप लोग जरूर बताने का प्रयास करिएगा। टेलीग्राम पे भी 67 BPSC इंटरव्यू करके ये चैनल बनाए हैं लोग, वहाँ पे भी लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आप लोग तैयार कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल IS PCS पॉजिटिवली। आई एम प्रेम कुमार, और यह हम लोग का 67 BPSC इंटरव्यू बेसिक गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, यही सब चीज़ों आपको गाइड करने के लिए कोचिंग वाले पैसे भी लेते हैं। तो आप लोग अपने से भी तैयार कर सकते हैं और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, जिनको मतलब गांव दूर दराज में रहते हो, तो उनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। एक वीडियो अगर किसी को फ़ायदा पहुँचाता है तो हम लोग के लिए बहुत ही मतलब कि प्राउड का बात होगी, और किसी को भी हेल्प हो रहा तो कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए, पहले हम लोगों ने पार्ट वन जाना था, जिसमें कि इंटरव्यू का प्रोसेस और बेसिक क्या मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सब, और 10 पिलर डाला था जिसमें कि बताया था कि किस तरह का आपको कौन कौन चीज़ तैयार करना है। पहला में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरे में होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट, और तीसरे में आपका ये हॉबी रहेगा। जो पार्ट 4 है, इससे पहले आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपको होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने डाल दिया था, तो देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पर नए होते सब्सक्राइब कर लेंगे एंड प्रेस दी बेल आइकन एंड लाइक दी वीडियो, इट्स माय मैनिफेस्ट। देखिए, हॉबी के बारे में सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है, ज़्यादातर चेयरमैन ही पूछते हैं कि आपका हॉबी क्या है। तो हॉबी के बारे में अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि हॉबी क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपका क्या हॉबी है, तो हॉबी वैसा मतलब कि एक्टिविटी जिसको कि करने में आपको रिफ्रेशमेंट फील हो, कोई काम करके आए हो तो आपका मतलब कि वो सारा माइंड से प्रेशर हट जाए, मतलब कि आपको रिलीफ को ये रिलीज कर दें, सॉरी मतलब टेंशन को रिलीज कर दे, इस तरह का हॉबी होता है जिसको करने में मज़ा आता है। दोनों चीज़ बोल सकते हैं, जिसको मतलब कि आप इंजॉय करें करने में। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोगों का हॉबी होता है, जैसे क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, आपका मतलब कि वॉकिंग करना, लोग जॉगिंग डालते हैं, योगा डालते हैं, एक्सरसाइज डालते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाना, जो भी चीज़ है आप डाल सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैंने देखा कि लोगों से कम्युनिकेट करना भी हॉबी है, बर्ड वॉचिंग भी हॉबी है, मतलब कि चिड़िया को देखते रहना। तो आपको मान लीजिए अगर कोई रियल हॉबी है उसको सब्सटेंशिएट कर लेना, पढ़ने में अच्छा है मतलब कि आपके पास कंटेंट है तो उसको डाल दीजिएगा, अदरवाइज ये जनरल जिनको नहीं पता होगा, थोड़ा सा भी हॉबीज योगा से मतलब कि इंटरेस्टेड है तो ये डाल सकते हैं। हम लोग इस पर करा रहे हैं जो कि मैं तैयार किया है मैंने, तो उसके बारे में बताऊंगा, आप लोग नोट्स बना सकते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा कि योगा योगा क्या है। हॉबी के बारे में थोड़ा सा बेसिक यही आइडिया था कि हॉबी के बारे में आपसे पूछा जाएगा आपका हॉबी क्या है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट का बनाए, तो क्रिकेट का पूरा इतिहास कौन रिकॉर्ड बना रहा है, कब क्या मतलब कि इंडिया कब जो है आपको वर्ल्ड कप लाया था, या अभी किसी का मतलब कोई रिकॉर्ड बन रहा, विराट कोहली है जो भी है, या कौन सा IPL जीता, कौन सा ये वनडे, सबका आपको आइडिया रहना चाहिए। उस तरह से आप बैडमिंटन देखेंगे तो वो सब यूट्यूब पे सर्च करिएगा या गूगल पे, बहुत सारे लोग का मिल जाएगा। योगा का हम लोग देखते हैं, व्हाट इज योगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो योगा देखिए, संस्कृत का एक वर्ड है, यूज 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 इससे निकल कर रहा है, इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। ये ऋग्वेद में भी इसका ये है, एकीकरण या बांधना भी बोलता है इसको, इसका मतलब देखिए, योगा का मतलब होता है माइंड और बॉडी, ठीक है। जो आपका दिमाग है, आपका शरीर है, मतलब कि फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों को एक साथ यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड योगा। और इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है या स्पिरिचुअल प्रोसेस है, आप लोग लिख सकते हैं इसको, जिसमें बॉडी आपका माइंड और जो है आपका सोल मतलब अपना एक साथ लाने का काम होता है, ये सब लिख सकते हैं। योगा का जेनेसिस कैसे निकल कर आता है, पतंजलि जो क्या इसके बारे में, देखिए योगा यही संस्कृत वर्ड से निकल कर आया है, आपको ये सब बता सकते हैं। हिस्ट्री में योगा के पहले गुरु आदि देव शिव को माना जाता है, गुरु दत्तात्रेय, दत्तात्रेय को भी माना जाता है, शिव और दत्तात्रेय दोनों को। ये शिव भगवान जो है ये वही है, आपको उन्होंने पार्वती माता को दिया था ये इसकी शिक्षा, और 7 ऋषि को भी दिया था जिनको सप्तऋषि भी बोला गया था। ये सब देख सकते हैं, ज़्यादा हिस्ट्री हम लोग नहीं बताएंगे, आप लोग गूगल या कहीं से पढ़ सकते हैं। ये जो बेसिक मेन क्वेश्चन आता है वो हम लोग बता देते हैं। देखिए, पुराणों में ये चीज़ चर्चा हो गया,
और अभी ये आपको रामदेव बाबा भी इसके बहुत सारा चीज़ को लेकर पढ़ रहे हैं। पतंजलि का आप लोग नाम सुने ही होंगे, इनको योग का गुरु माना जाता है। और विश्व लेवल पे अभी योगा डे मनाया गया है आपको 21 जून को। इसका थीम क्या है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर ये आपका जो G20 का मतलब कि थीम था उसको लेकर भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी जेनरेट हुआ है। ये ब्रेग्जिट जो है वो यूके जो बोल रहे हैं वहाँ पे कि इसको ये वसुधैव कुटुंबकम को इस तरह का कुछ मतलब है इसको निकाला जाए, या चाइना बोल रहा है चाहे सॉरी। ठीक है, ये इस बार जो योगा मनाया गया उसमें 108 देशों के प्रतिनिधि ने एक साथ ये योगा किया था। ये भी आप एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवीजन अगर देखिएगा इसका योगा का, तो आपका एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, और एक ज्ञान योग, एक क्रिया योग, चार को देख सकते हैं। कर्म योग में मतलब कि आपको कर्म करिए, बॉडी का यूज करना है उसमें, और भक्ति योग में इमोशंस जुड़ा होता है, ज्ञान योग में माइंड का इंटेलिजेंस, क्रिया योग में एनर्जी का यूज, ये चारों चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए 21 जून को योगा क्यों मनाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है। तो देखिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में अगर देखिएगा सबसे लंबा दिन 21 जून को ही होता है, इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन जो है सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता भी है, इसलिए इस दिन ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। ठीक है, और ये उत्तरायण दक्षिणायन आप लोग जानते होंगे, तो दक्षिणायन में ये परंपरा है, भारतीय परंपरा ट्रेडिशन, कि उस समय आध्यात्मिक विद्या अगर प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब कि आपका समय अनुकूल होता है, इसलिए मनाया जाता है, ये चीज़ भी बता सकते हैं। और ये देख सकते हैं प्राणायाम में जैसे कि आपको मुद्रा पूछा जा सकता है, कुछ आस्पेक्ट्स ऑफ योगा जैसे अष्टांग योगा, आसन क्या है इसके बारे में, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो योगा का ये कंसेप्ट है 2014 में 11 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये मनाने का निर्णय लिया गया। 2015 में फर्स्ट टाइम योगा मनाया गया था 21 जून को। तो ये सारा चीज़ है, और कौन सा आसन आपके द्वारा किया जाता है तो आप बता सकते हैं, मान लीजिए अनुलोम विलोम या कोई आप आसन करते हो प्राणायाम वगैरह, तो ये सब बता सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह का प्रोफियंसी आप इसमें ये करते हैं, क्या फ़ायदा है योगा से, तो आपको हेल्थ में मतलब कि आपको एनर्जी का संचार होता है, डिजीज़ कम हो जाएगा, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, मेंटल फिजिकल दोनों का मतलब बैलेंस बना रहता है, इम्यूनिटी भी डेवलप होता है, माइंड काम रहता है, शांत रहता है, रिफ्रेशमेंट होता है, टेंशन कम होता है, फोकस ज़्यादा, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ये सारा चीज़। आप लोग योगा मतलब कि हाउ डिड यू लर्न योगा, आपने कैसे सीखा, ये सब आप लोग बता सकते हैं। इसका रिलेवेंस हिस्ट्री मैंने बता दिया। अष्टांग योगा के बारे में देखिएगा तो एक यम है, एक आपका नियम है, एक आसन है, एक प्राणायाम है, प्रतिहार है, और एक धारणा है, ध्यान है, समाधि है। नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये योगा का इफेक्ट माइंड पे क्या पड़ता है वो आप लोग बता सकते हैं जो मैंने बताया। और ये फिजिकल एक्सरसाइज से कैसे अलग है, जैसे कि मान लीजिए जो जॉगिंग करते हैं या जिम करते हैं उससे अलग कैसे है, इस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो जैसे कि जिम वगैरह में आपको फिजिकल पे, इसमें माइंडल मेंटल पे भी योगा पे हम लोग ध्यान देते हैं। इंटरनेशनल योगा ये बता दिया मैंने, 21 जून ये थीम था, ये आपको योगा पर वसुधैव कुटुंबकम, गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, तो वहीं आपको ये मोदी जी को गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे इसको सॉफ्ट पावर पे इंक्रूवमेंट इंकरेज करने में ये चीज़ देखते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में देख लीजिएगा, कुंडलिनी जागरण, हॉट योग के बारे में भी थोड़ा सा आप ये गूगल करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा अपने तरफ से भी ये करिएगा। और योगासन और विपासना मेडिटेशन, मेडिटेशन वाला टॉपिक्स भी अगर आप ये हॉबी में डाल रहे तो इसको भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसके पहले हम लोगों ने ये चीज़ डाल दिया एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ये होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट वाला डाल चुके हैं। और एक करंट अफेयर का 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो है जिसमें कि आपको मणिपुर हो गया, नू वायलेंस हो गया, राहुल गांधी का केस हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, दिल्ली फ्लड हो गया, लिकर बैन हो गया, ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने डाला है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ISPCS पॉसिबली। आई एम प्रेम कुमार, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट्स माई रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। देखिए 67 BPSC इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग इसमें 5th नंबर आज पिलर और पार्ट पे डिस्कस करेंगे। ये आप लोग पार्ट 4 तक नहीं देखो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटरव्यू का एक मतलब कि डिटेल्ड वे में डिस्कस कर रहे थे, हर एक पार्ट को अलग अलग अपने पर्सनैलिटी के बारे में या क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है ये पहले पार्ट में, फिर दूसरे पार्ट में आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में वो सब हम लोग डाल चुके हैं, तीसरे में आपका होम डिस्ट्रिक्ट या आपका कौन सा आपका मतलब कि होम स्टेट है या बिहार है तो बिहार के बारे में सारा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हम लोगों ने डाल दिया है, कैसे प्रिपरेशन करना है आप लोग वो देख सकते हैं। 4th नंबर में आपका हॉबी योगा पे मैंने बता दिया है, लेकिन आप उसी के अकॉर्डिंग अपने मान लीजिए बैडमिंटन क्रिकेट जो भी है आपका वो उस पर तैयार कर लेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक्स है जॉब्स, या मान लीजिए आप जो सर्विस प्रिफरेंस डाले हैं इसमें आना क्यों चाहते हैं, ये सब बातें। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस जॉब में आना क्यों चाहते हैं, आप सिविल सर्विस में BPSC में क्यों आना चाहते हैं, आपका पोस्ट प्रिफरेंस कैसा है, मतलब कि SDM ऊपर है या DA मतलब कि DYSP है या कोई और ऊपर डाले हैं तो क्यों डाले हैं, ये सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्यों आना चाहते हैं, एक मतलब कि आपके पास सॉलिड
आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटा रटा सोसाइटी को चेंज लाना चाहते हैं, सोसाइटी में मतलब कि आप डाइवर्सिटी के कारण आ रहे हैं। बहुत सारा आपके पर्सनल जो मतलब कि इंसिडेंट्स हुए हैं, आपका पर्सनल कुछ चीज़ें हो, उसको भी जरूर से जरूर ऐड करिएगा ताकि आपको एक दूसरे से मतलब डिफर किया जा सके। अब पोस्ट प्रिफ्रेंस आपसे पूछ कर ये सब पूछा जाएगा। देखिए, जॉब अगर कर रहे हैं कहीं पे तो वो तो आपका क्वेश्चन बनता है। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों इतना दिन तक जॉब नहीं कर रहे हैं? आप मान लीजिए कोई प्रोफेशनल डिग्री किए हो, बीटेक किए हो, या आप मान लीजिए कुछ और किए हो, एमसीए वगैरह, तो आप क्यों नहीं किए जॉब? अगर नहीं कर रहे हैं तो इतना साल तक क्यों आपने वेस्ट किया अपना पैसा? ये सब क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना होगा आपको। एक सॉलिड सा आंसर आपको बना लेना है क्यों, आपका क्या रीज़न था। और अभी तक अगर 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको बताना होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये तो हो गया एक बेसिक चीज़। तो उसमें जैसे कि पूछा जाता है ना कि आप पे SDM ही क्यों बनना चाहते हैं, तो आपको वो बताना पड़ेगा। आप पे सोसाइटी को अगर सर्व ही करना चाहते हैं तो NGO क्यों नहीं चले गए, यहाँ क्यों आ रहे हैं, ये भी आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए, इसमें हम लोग आंसर नहीं बताएंगे, आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग तैयार करिएगा। अगर टाइम बचा तो हम लोग आपको इसको बताएंगे। क्या आप अगर मान लीजिए सिविल सर्विस में जो आप तैयारी कर अगर फेल हो जाते हैं तो आप क्या कोई बैकअप ऑप्शन रखे हैं क्या, या केवल तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी आपको रखना पड़ेगा। और मान लीजिए जो पोस्ट आप डाले हैं SDM DYSP, उसका आपका वर्क थोड़ा सा किस तरह का है उसका वो देख लेंगे। और क्वालिटीज़ आपके अंदर क्या है ताकि आपको सिविल सर्विस के रूप में चुना जाए, आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या है, ये सारा चीज़ आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सब हम लोग पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी देख लीजिए। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोगों ने बता दिया कि आप कौन सा मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें क्यों आना चाहते हैं, या जॉब कर रहे हैं तो ये जॉब के साथ कैसे आपने टैकल किया, ये सारी चीज़। अब इसमें है कि आप कौन सा जॉब करते हैं। मान लीजिए आप मीडिया में हैं, आप कोई और पोस्ट पे हैं, मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या किसी और चीज़ में हैं, मान लीजिए आप इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, बीटेक में कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, प्रोडक्शन में काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या मान लीजिए सरकारी में ही, रेलवे में है, किसी में भी चीज़ में है, टीचर हैं, तो आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, आपके मतलब जॉब को आप ही अच्छे से जान पाइएगा, आप उस जॉब को एक्सप्लोर किए होंगे, आप उसको गूगल से पढ़िए, उसका इतिहास जान लीजिए, उसका चैलेंजेस जान लीजिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे वर्क होता है, ये सब जान लीजिए। आपके डिपार्टमेंट का हायरार्की क्या है, आप किस फील्ड में वर्क करते हैं, आप किस पोस्ट पे हैं, किस तरह से आप मतलब बॉस को या आपका जो सीनियर इमीडिएट है आप कैसे उसको मतलब कि आप अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। आप जॉब अगर मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं, सिविल इसमें BPS आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं इसमें, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया। और 6 पिलर हम लोग का ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि आप मीडिया में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है मीडिया में काम कर रहा है, तो आपको मीडिया में जैसे कि जानकारी होनी चाहिए कि 4th पिलर उसको बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं 4th पिलर, मीडिया क्या काम करती है, मीडिया का दुरुपयोग हो सकता है क्या, मतलब यूज़ तो बहुत है कि आप मतलब अवेयरनेस लाते हैं, लोगों को न्यूज़ पता चलता है, आप डेमोक्रेसी मतलब कि कायम करने में ये करते हैं, वॉइस ऑफ वॉइस बोलते हैं मीडिया का, लेकिन क्या इसका दुरुपयोग होता है, क्या इसके लिए सोशल मीडिया रूल्स आना चाहिए? डिजिटल में बहुत सारा अफवाह फैलाया जा रहा है, मान लीजिए कोई भी कुछ भी कंटेंट बना दे रहा है, उससे हेट स्पीच भी हो जा रहा है, समाज में पोलराइजेशन भी देखने को मिला, ये सारा चीज़। अब मान लीजिए आप टीचर हैं, तो टीचर में कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीज़ को पढ़ाते हैं, आपको किस तरह से आप मतलब कि चेंज लाइएगा अगर मान लीजिए ये इस फील्ड में आते हैं तो, या आपका जॉब में आ जाते हैं ये सिविल सर्विस BPSC में, तो आप किस मतलब कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करिएगा, एजुकेशन को, हेल्थ को, या आप मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक, ये सारा चीज़ तो आपको बताना पड़ेगा उस तरह से। वीमेन एम्पावरमेंट को किस पे वर्क करना चाहते हैं, ये सारा चीज़ आप मान लीजिए, ये सब हो गया। और आपको मान लीजिए ये सब चीज़ कर लिए, जैसे कि मान लीजिए आप टीचर हैं तो आप किस तरह से बच्चों को अच्छे से मतलब कि गाइड कर पाइएगा, उसको मोटिवेट कर पाइएगा। कोई बच्चा है, आप मतलब एक तरह से सुसाइड करना चाहता है, अपना लाइफ से फ्रस्ट्रेट है, तो कैसे आप उसको एक तरह से मेंटरिंग करिएगा, ये सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको हॉबी से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ हो सकती हैं, मान लीजिए, तो वो सारा चीज़ आपको इंटरलेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको यही है कि आपको अपने जॉब से रिलेटेड एक एक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप बीटेक करके आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उस चीज़ को करते हैं, मतलब कि उसमें आपका क्या रोल है। ठीक, आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ पूछा जा सकता है। अभी मान लीजिए न्यू कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, पटना मेट्रो चल रहा है, तो आपसे वो पूछा जा सकता है। अगर सिविल इंजीनियर ऐसे कुछ हैं तो मैकेनिकल में तो कोई न्यू तरह का गाड़ी आ गया या कोई टेक्नोलॉजी आ गया वो पूछा जा सकता है। आप साइंस में फिजिक्स वगैरह के हैं तो जैसे आदित्य मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, इसके बारे में तैयार रहेंगे अच्छे से करने के लिए, या कोई उस तरह के पोस्ट, ये आप PhD वगैरह कर रहे हो, या मान लीजिए आप कोई साइंटिस्ट के पोस्ट पे हो, या कोई मतलब कि उसी फील्ड में कुछ और चीज़ें में हो, तो ये सारा रिसर्च में हो, तो ये सारा आपको तैयार करना पड़ेगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे किस जॉब में है या किस तरह का है आपका, तो ये आपको तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम शॉर्ट में ही रखने का प्रयास करते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और आप अपने अनुसार तैयारी करेंगे। थैंक
एंड रिजल्ट जल्दी आने वाला है एंड आप लोगों के लिए कंग्रेचुलेशन इन एडवांस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएसपीसीएस पॉसिबली। आई एम प्रेम कुमार। देखिए, ये 67 बीपीएससी इंटरव्यू के गाइडेंस प्रोग्राम में हम लोग का ये पार्ट नंबर आपको 6 होगा, जिसमें कि ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लेंगे। ये जॉब वाला या सर्विस प्रीफ्रेंस वाला हम लोगों ने डाल दिया है। और इस वीडियो में हम लोग आपको ऑप्शन वाला टॉपिक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग का ये अच्छा से चलता है। आप लोग के लिए इतना मेहनत से हम लोग वीडियो ला रहे हैं, आप लोग का भी थोड़ा सा मतलब की ड्यूटी है, शेयर कर दीजिए। तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। और यहाँ पर आप देखिएगा तो जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही मतलब कि एक रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। तो आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ हम लोग डाल दिए हैं, जैसे कि मॉक इंटरव्यू किस तरह से इस साल का होगा या पहले किस तरह का होता था, वो सारा हम लोग एक लिस्ट में करके ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाएगा तो मिल जाएगा। और गाइडेंस सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, करंट अफेयर में G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, आपको आदित्य एलवन चंद्रयान 3 सभी करा दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आज का जो मुद्दा है ये ऑप्शनल, तो देखिए बहुत सारे ऑप्शनल है, तो उसमें से हम लोग कुछ क्लासीफाई किया। जैसे कि मान लीजिए आप आर्ट्स मतलब कि ऑप्शनल से रिलेट कर पा रहे हैं, या मान लीजिए आप साइंस या मैथ से रिलेट कर पा रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल या लिटरेचर हो या कुछ अदर्स है। तो देखिए आर्ट्स वाले में मान लीजिए आप हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल है, देखिए पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, लेकिन इसमें हम लोग उसी में रखेंगे। LSW हो गया या कुछ और भी चीज़ें हैं, मान लीजिए LSW को यहाँ पर रख सकते हैं अगर आर्ट्स को नहीं लिखना चाहते हैं। एंथ्रो हो गया, ठीक है। तो ये सारा सब्जेक्ट है ना, तो आपको क्या करना है कि एक लिस्ट ऑफ मतलब कि क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करना है। तो देखिए मैं सब सब्जेक्ट का तो यहाँ नहीं बताऊँगा, एक जनरल अप्रोच बता देता हूँ ताकि आपको तैयारी हो। देखिए कुछ चैनल पे मुझे मिला भी था ये BPSC के, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो आप जिस भी सब्जेक्ट होंगे तो मिल जाएगा बहुत सारा, मतलब कि जो सब्जेक्ट ज़्यादा लिए जाते हैं तो उनका मिल जाएगा, जिनका नहीं मिलेगा वो आप लोग गूगल वगैरह से सर्च करने का प्रयास करें, खुद से उस पर करिएगा मेरा। तो ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री का जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स साइंस मैथ्स में हो गया, जैसे कि किसी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है, बायोलॉजी वाला हो गया, या मान लीजिए यहाँ पे मेडिकल साइंस का हो गया, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब वगैरह, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, मैथिली, बिहार में मैथिली भी बहुत सारा चलता है। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। और अदर्स में और भी कुछ जो आपका यहाँ पे रिलेट नहीं कर पा रहा होगा, एग्रीकल्चर हो गया, जो भी है, तो वो आप लोग देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हिस्ट्री का एक एग्जांपल लिया जाए, तो मान लीजिए फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है। अब हिस्ट्री में मान लीजिए कोई बहुत ही फेमस चीज़, अभी कोई एग्जीक्यूशन चल रहा हो, खुदाई वगैरह, उसको देख लीजिएगा। या मान लीजिए हिस्ट्री में जैसे कि बिहार से रिलेटेड आपको मौर्य है, गुप्ता है, वो सबको आपको देखना होगा। आप मान लीजिए हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मोनूमेंट्स है उसको देख लीजिए, जैसे कुछ आपको मैथिली मतलब कि ये आर्ट एंड कल्चर का जो चीज़ें हो गया, जैसे कि आप लोग मतलब कि ये आपको पटना कलाम हो गया, आपको मधुबनी कला हो गया, जो भी है आपको मंजूषा कला, ये सारा चीज़ आपको करना है। हिस्ट्री मान लीजिए अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, ये आपको सम्राट अशोक के बारे में, बौद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी आपका सिलेबस था मेंस में ना, वो सारे चीज़ कर लीजिएगा। थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ भी कर लीजिएगा, जैसे कोई यात्री कब आया, या ये देखिएगा किसी किसी का इंटरव्यू वगैरह, वहाँ से भी मैंने बताया कि आप देखिएगा सेट ऑफ क्वेश्चन, वहाँ से भी आपको आइडिया मिलेगा। ज्योग्राफी में उसी तरह से जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, आप मान लीजिए अभी बहुत सारा लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन है, ये सारा चीज़ आप वहाँ से रिलेट कर पाइएगा। और मान लीजिए ज्योग्राफी में और चीज़ है, जैसे कि आदित्य एलवन हो गया, आपको अभी यूनिवर्स से रिलेटेड चंद्रयान 3 हो गया, बहुत सारा चीज़ चल रहा है न्यूज़ में, तो उसको भी आप करंट से रिलेट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से आप इकोनॉमी में देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, तो सबको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्पेसिफिक रूप से पढ़ लेना है। इकोनॉमी का मान लीजिए कुछ लॉरेंज कर्व हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर करिएगा, आप क्या इकोनॉमी को यूज़ कर पाइएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शनल का क्या यूज़ है सिविल सर्विस में अगर आप आते हैं तो ये भी हो सकता है। जैसे आप मैंने इंजीनियरिंग लिए हैं मैकेनिकल, तो आप क्या यूज़ कर पाइएगा इसका, यहाँ पे आप आकर BPSC में सेलेक्ट होइएगा, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। आपको फील्ड वर्क में कहीं यूज हो तो, या आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग का वर्क चल रहा है तो आप उसको और अच्छे से मतलब इस आप सिविल सर्वेंट होने के नाते भी और इंजीनियरिंग नाते को भी आप इंटर रिलेट करके उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाइएगा। लिटरेचर है आपका, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है मैथिली है, तो आप उसके बारे में कवि का नाम, कोई राइटर जैसे आपको मैथिली शरणगुप्त हो गए, रामधारी सिंह राष्ट्रकवि हो गए, आप बहुत सारे कुछ उपन्यास का नाम पढ़ लीजिए, गोदान वगैरह, ये आपको बिहार से पहले ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले साहित्य अकादमी, या जो भी है जैसे कि पहला उपन्यास जिसको कि आपको नोबेल मिला हो, आपको रविंद्रनाथ टैगोर, जो भी है आपका सिलेबस ना, वो सारा मीन्स का आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, तभी जाकर ये चीज़ें कंप्लीट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका LSW है या एग्रीकल्चर है, तो उसको कैसे सुधार करिएगा, एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़। मेडिकल को आप कैसे यूटिलाइज करिएगा, मान लीजिए बहुत सारे लोग बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हैं, तो उसको आपको करंट से रिलेट करके इंजीनियरिंग बारे में कुछ आपको करंट से या बेसिक जो चीज़ें हैं
फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बेस्ड या कोई कंस्ट्रक्शन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया, पटना मेट्रो बन रहा है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ें चल रहा है इंजीनियरिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, आपको स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। साइंस वाले भी कर सकते हैं, फिजिक्स वाले भी, केमिस्ट्री में मान लीजिए कुछ, ये आपको मेडिकल वाले में दवा ववा बन रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब केमिकल में कुछ नया, जैसे नैनो यूरिया आ गया है, आपको DAP भी आ गया है अभी करंट में देखोगे, तो ये सारा चीज़ आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको कैसे मिलेगा, जब अपना ऑप्शनों का पूरा चीज़ खोल के उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और फिर कुछ एक्सपेक्टेड जो इंटरव्यू के टाइप का क्वेश्चन है उसको तैयार करिए गूगल से, ये यूट्यूब से, जहाँ से भी मिले, और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सुनते रहेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, ये हम लोग छोटा ही वीडियो रखने का प्रयास करेंगे ताकि मतलब कि शॉर्ट टाइम में सभी को ये हेल्प हो जाए। इसके पहले ये वाला वीडियो हम लोग डाले हैं जॉब प्रिफ्रेंस और किस पोस्ट पे आप हैं तो किस तरह से आपको तैयार करना है, तो उसमें भी एक सेटअप क्वेश्चन तैयार करेंगे, और उससे G20 वगैरह ये सब हम लोग तो डाल ही दिए हैं आपको, Aditya L1 आप लोग जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो ये 6 नंबर तक का हम लोग का पिलर या पार्ट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग लेकर आएंगे आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, एक पार्ट रहेगा, और करंट अफेयर में 2 पार्ट आएगा, एक पार्ट बिहार का अलग से रहेगा, एक आपका इंडिया का अलग से रहेगा, क्योंकि बिहार फोकस ज़्यादा किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल नेशनल एक अलग रहेगा। तो ये वाला आपका सर्विस प्रेफरेंस उसी में हो गया है जॉब वाले में, लेकिन यहाँ पे एक हो जाएगा, ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लास्ट पार्ट लाएंगे लोग जिसमें कि हम लोग हॉलिस्टिक नॉलेज, मतलब कि कोई भी अदर सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपने वो कर लिया जो आपका सब्जेक्ट है, आपने देखिए यहाँ पे आपने अपने बारे में कर लिया, आपने ड्रेस वगैरह जो भी चीज़ है, बॉडी लैंग्वेज, ये सब, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कर लिया, आपने होम डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट कर लिया बिहार, हॉबी भी कर लिया, जॉब क्या है वो भी कर लिया, ऑप्शनल कर लिया, आप सर्विस प्रेफरेंस, ये सब सिचुएशनल बेसिक क्वेश्चन कर लिया, करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल बिहार कर लिया। लेकिन मान लीजिए आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन जनरल पूछा जा सकता है, आपसे हिस्ट्री का भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमी का भी पूछा जा सकता है, तो ये सब करंट का नहीं, बेसिक भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए पॉलिटी में आप जाइएगा ना, तो जैसे किसी का हम इंटरव्यू सुन रहे थे, वो BTEC किए थे, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना कि आप बताइए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, पार्लियामेंट के बारे में कुछ बताइए, ये सब चीज़ पूछा जा रहा था। तो मान लीजिए वो न्यू से इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें भी पता होना चाहिए। तो मान लीजिए स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, आर्टिकल नंबर बताइए कितना होता है, 85 में होता है कि क्या होता है, UCC के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये बेसिक ही है पॉलिटी का। मान लीजिए हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि आप ही बताइए हिस्ट्री में कौन आपको अच्छा लगता है, या मान लीजिए हिस्ट्री का आप मतलब कि कोई ऐसा मतलब कि बताइए जो कि कार्य मतलब कि सबसे अच्छा बिहार के लिए हुआ हो, जैसे कि स्वर्ण काल आपको गुप्ता पीरियड बोलते हैं कि क्या है, सबसे ज़्यादा बिहार का ग्लोरियस कब टाइम रहा है, इस तरह से आपसे कोई ऐसे इकोनॉमी में जैसे कि अभी बजट सर्वे पढ़ लीजिए, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये आपको एक पार्ट में हम लोग इसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि अभी जल जीवन हरियाली मिशन चल रहा है, कितना बजट एलोकेट किया गया 7 निश्चय 2 के लिए, या मान लीजिए कुछ आपको राज्य स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये सब बेस देखिए, ये UPSC पूछा हुआ है, ऐसा नहीं मैं कि आपको एक एक केस क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत सारे जो 3 कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू सुना था उनसे कैपिटल भी पूछ लिया गया था, जैसे मान लीजिए मणिपुर बैलेंस नहीं बन रहा है, तो मणिपुर का कैपिटल, मणिपुर का CM, ये सारा चीज़ आपको करना है। तो ये वाला एक अलग पार्ट आएंगे, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना रखेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करेगा एंड प्रेस दी बेल आइकन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ISPCS पॉसिबली, आई एम प्रेम कुमार। देखिए, ये वीडियो हम लोग का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो 67th का हम लोग लेकर आ रहे थे, उसमें हम लोग पार्ट नंबर आपको 6 तक डिस्कस करा चुके हैं। ये आज हम लोग का पार्ट नंबर 7 होगा, जिसमें कि बिहार का करंट इशू जो आपको चल रहा है, ये मुद्दा, उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। देखिए, सबसे पहला बिहार का एक वीडियो हम लोगों ने डाला है होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट, ये उसके बारे में, वहाँ से बेसिक्स बहुत सारा चीज़ आपको वो वीडियो ने देखो देख लीजिएगा ये। अब इसमें देखेंगे करंट का कुछ कुछ इशू चल रहा है उसके बारे में, तो जैसे कि आप देख लीजिए कुछ पर्सनालिटी न्यूज़ में चल रहे हो, जैसे कि KK पाठक, ये ऑडिटर या किसी में पूछा गया था, उस तरह का आपको पर्सनालिटी वाला टॉपिक कर लेना है। ये PT का भी कुछ क्वेश्चन उठाएगा ना, ये करंट उसमें भी मिल जाएगा, या न्यूज़पेपर वगैरह देख रहे हो तो आप उस तरह से देख लीजिएगा, और भी बहुत सारा है। अब मान लीजिए कुछ स्कीम चल रहा है बिहार का, जैसे 7 निश्चय 2 हो गया, उसमें आपको क्या क्या चल रहा है, जीविका हो गया, आपको लिकर बैन हो गया, इसका कुछ मतलब कि अमेंडमेंट लाया गया था, उसको भी देख लीजिएगा, ये हम लोग वीडियो डाल चुके हैं जीव का और इसका, बहुत सारे स्कीम का भी, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, इसका क्या मतलब कि चल रहा है कंडीशन, उसका आप लोग इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देख लीजिएगा। इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी पटना मेट्रो बन रहा है, रोड का कनेक्टिविटी बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये सारा देख लेना। हंगर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारा पे डाटा है, NFHS 5 का डाटा, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट का डाटा, ठीक है, और ये सारा चीज़ आपको करना है। इंडिया को कैसे, बिहार को कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, कुछ GI टैग भी लाया है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा, वो सभी पूछा जाता है।
और कुछ रिपोर्ट वगैरह आए हो, जैसे हम लोगों ने डाला था बिहार कैसे पिछड़ा है, आपको इंटरनेट के मामला में, SDG गोल के मामले में आपको गरीबी में सबसे नीचे है, तो ये सारा चीज़ आपको करना है करंट से रिलेट करके। अब कुछ यहाँ पे और बता देते हैं, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे और चीज़ हैं, आप मान लीजिए जैसे बहुत सारे स्कीम चल रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वीमेन का क्या कंडीशन है, तो आप जैसे वीमेन से रिलेटेड नारी शक्ति योजना के बारे में, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, कन्या सुरक्षा योजना, उत्थान योजना, महिला उद्यमी योजना, सात निश्चय साइकिल योजना, ये सबको बताएंगे। साइकिल योजना को जिम्बाब्वे भी अपनाया है, ये सारा चीज़ बताएंगे। उस तरह से हेल्थ में मिशन परिवर्तन, सेम डिजिटल हेल्थ मिशन, ये बीमा योजना, सात निश्चय टू के लिए आर्थिक स्वास्थ्य सुविधा, ये सारे चीज़ आपको कर लेना है। और जल जीवन हरी इन्वायरमेंट के लिए, जल जीवन हरियाली, ये सब आप लोग बजट का देखिएगा ना, तो ये 10 पिलर में दिया हुआ है, वहाँ से आपको बहुत सारा मतलब कि कवर हो जाएगा। उस तरह से आप लोग इंडस्ट्री में बायोफ्यूल प्रमोशन पॉलिसी, एग्रीकल्चर में निपुण बिहार स्कीम, ये सब देख सकते हैं, जैसे कि मनीष कश्यप न्यूज़ में है, पर्सनालिटी वाले में वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसे मिसेज इंडिया बनी थी रोहिणी झा, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, वो सब देख सकते हैं। मोनिका दास स्टेट इलेक्शन कमीशन बनी है, ट्रांसजेंडर है। मैत्री ठाकुर खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ये सब देख सकते हैं। आनंद कुमार सुभद्रा देवी, ये सब देख सकते हैं। ये तो आपको 5-6 वीमेन का नाम भी याद होना चाहिए, भावना कर्ण, शिवांगी सिंह, मृदुला सिन्हा, रेणु देवी, अनिता देवी, शीला कुमारी, ये सब आपको, इंदु प्रभा सिंह, राबड़ी देवी, ये सारा मतलब कि आपको वीमेन से रिलेटेड कुछ आइडिया होना चाहिए। बिहार में जैसे कि स्पोर्ट्स का क्या कंडीशन चल रहा है, क्या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं बन रहा है, बैडमिंटन का क्या अकेडमी बन रहा है, क्या मणि मतलब कि कहाँ बन रहा है, राजगीर में बन रहा है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और क्या बिहार से कोई अच्छा प्लेयर निकल कर आ रहा है, बिहार में क्रिकेट का क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ये अभी का जो न्यूज़ चल रहा है ना, वो सब आपको बताना पड़ेगा। बिहार से चंद्रयान 3 में किसका योगदान रहा है, ये सब आपको रिलेट कर सकते हैं। बिहार में पंचायत इलेक्शन हुआ, वहाँ पे सबसे कम उम्र की एक अनुष्का कुमारी करके वो बनी है हेड पंचायत की, सीवर डिस्ट्रिक्ट की, वो देख सकते हैं। या आपको म्यूनसिपल इलेक्शन हुआ है, वो देख सकते हैं आप लोग। बिहार का जो अभी कैबिनेट बना है, उसमें महिला लोगों का क्या योगदान है, ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो ये करिए, आपको इतना सारा अगर कर पाते हैं तो आपको बहुत सारा यहाँ पे मतलब कि हेल्प मिलेगा। लिटरेसी रेट क्या है बिहार में, एजुकेशन को लेकर चलाया जा रहा है बहुत सारा चीज़, जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम कहाँ तक सही है, ये सारा चीज़। और ये देखिएगा जैसे कि टूरिज्म वगैरह देख सकते हैं, भागलपुर में ब्रिज गिरा था, ये सब डेवलपमेंट ही है, तो ये आपको करना है। और बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है, जैसे कि जितना मुझे याद आ पा रहा है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे स्मार्ट सिटी के तौर पे स्मार्ट विलेज का भी कंसेप्ट चला है, एक बावार्चक विलेज है, आप लोग अगर पढ़े हो तो वो बताइएगा। जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट में भी बहुत सारा चीज़ चल रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सम्राट अशोक भवन बनाने का बात चल रहा है, ODF प्लस सिटी मतलब कि आपको विलेज बनाने का बात चल रहा है, किसानों का क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई स्कीम चलाया जा रहा है, ये सब ठीक है। तो ये आपको करना है। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन चल रहा है, आपको इथेनॉल का बहुत सारा चीज़ चल रहा है, चनपटिया मॉडल आपको देश चंपारण का फेमस हो रहा है, उसको देख ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, जैसे मोटर व्हीकल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट बना है, ये सब देख सकते हैं आप लोग। और पटना मेट्रो का तो मैंने बता दिया, ग्रीन डेवलपमेंट में जल जीवन हरियाली ये बता ही दिया आपको, बहुत सारा चीज़ चल रहा है। आपको अपने तरफ से कुछ कुछ देखिएगा, तो बिहार का मिलेट मिशन चल रहा है, आप लोग बताइए कि किस मतलब किसान को आपको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया जा रहा है। योगा डे मनाया गया, तो मान लीजिए योगा डे का क्या थीम था, ये सारा चीज़, या बिहार में क्या कोई योगा यूनिवर्सिटी है, ये सब चीज़ आपको रिलेट करके चलता चलना रहेगा। जैसे यूथ के लिए क्या काम किया जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बिहार सरकार कुछ कर रही है क्या, बिहार में इंजीनियरिंग का क्या मतलब कि सिचुएशन है, क्या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कोई इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये सारा चीज़, मेडिकल कॉलेज का क्या हालचाल है, ये सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको जैसे कि वीमेन के लिए सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये सब मैंने बताया अभी था सबसे पहले। माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कुछ चला रही है सरकार क्या, कोई आपको माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल चला रही है क्या, इसको भी देख लेना है आपको। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये सब देखते रहना है। CCTV, ये सब पुलिस फोर्स के लिए भी काम किया जा रहा है। 35% रिजर्वेशन वीमेन को पुलिस में दे दिया गया है, तो वीमेन को सॉरी ये पुलिस को कैसे और ज़्यादा मतलब कि सफिशेंट इन्हेंस किया जाए, वो डिपेंडेंट नहीं रहे ज़्यादा, मतलब और अच्छे से इफिशेंट काम करें, उसके लिए क्या किया जाएगा, तो ये सारा चीज़ आपको तैयार करना है। और भी बहुत सारा चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको रोड कनेक्टिविटी को लेकर क्या मतलब कि सिचुएशन ठीक है, या और क्या किया जाए, आपका क्या सजेशन है, ये आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि आप कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, ठीक है। और बिहार का पोजीशन क्या है मान लीजिए इकोनॉमी साइड में, ये सब चीज़ आपको, जल जीवन मिशन चल रहा है उसके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करिएगा, आपको जैसे कि किस पे एलोकेट बजट में ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। प्राइमरी सेक्टर में किसका योगदान है, नहीं योगदान है, ये देख सकते हैं आप लोग। लेबर के क्या कंडीशन है, माइग्रेशन का प्रॉब्लम, दहेज प्रथा का प्रॉब्लम, करप्शन का प्रॉब्लम, ई गवर्नेंस में क्या बिहार सरकार क्या कर रही है, इंटरनेट मामले में क्या पिछड़ा हुआ है,
ये रिपोर्ट भी आया था, हम लोग डाले भी थे इंटरप्राइज सेक्टर में, एग्रीकल्चर का तो मैंने बता ही दिया। उस तरह से आप लोग इनर्जी सेक्टर में जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, और भी बहुत सारा, क्या रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ यूटिलाइज हो रहा है क्या, रूरल डेवलपमेंट किया जा रहा है कि नहीं, जीविका के बारे में बता ही दिया मैंने, अर्बन डेवलपमेंट में कुछ कुछ चीज़ आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, बैंकिंग का क्या हालचाल चल रहा है, ह्यूमन का डेवलपमेंट के लिए IMR TFR ये सब आप लोग देख लेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है, मातृवंदना योजना हो गया, पोषण ट्रैकर हो गया, आंगनबाड़ी का बहुत सारा न्यूज में चल रहा है उसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इन्वायरमेंट का भी बहुत सारा बता दिया, मिशन 543 प्लांटेशन कैंपेन करना था, महावीर बायोडाइवर्सिटी पार्क जमीन बन रहा है, कोई सेकेंड आपको आपको ये बन रहा है क्या, आपको नेशनल पार्क वो बता सकते हैं आप लोग, या तारामंडल प्लानिटेरियम बन रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। सेंसस देख लीजिएगा थोड़ा सा, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में बिहार का क्या कंडीशन है, फैक्चुअल चीज़ भी पूछा था आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चला, जैसे चंपारण से चंपारण मीट का एक ऑस्कर में गया है मूवी, उसके बारे में देख सकते हैं भी, जैसे कि और भी चीज़ें आपको कोई फेस्टिवल चल रहा हो उसके बारे में, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में कुछ मिला हो तो उसको देख सकते हैं आप लोग, स्पोर्ट में बिहार में कोई बढ़िया कोई आदमी मतलब काम कर रहे हो, जैसे कि आपको बहुत सारे हैं, जैसे कि अंजनी कुमारी हैं जमुई की, वो हैं, आपको बहुत सारे स्कीम चल रहा है बिहार का, आपको म्यूनसिपल ये GST से रिलेटेड बिल आया है, आपको स्टार्टअप पॉलिसी आया उसको देख सकते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रमोशन पॉलिसी आया उसको भी आप लोग देख सकते हैं, कुछ कुछ जैसे कि ऐप भी आ रहा है, जैसे मौसम बिहार ऐप, फ्लड को कैसे कंट्रोल कर रहा जा रहा है अभी लेटेस्ट में, ड्रॉट को, ठीक है, बिहार मतलब कि बिहार का कोई आपको ट्रीटी हुआ हो अभी लेटेस्ट में, ये आपको क्या बोलते हैं उसको, नेपाल के साथ, ये सारा चीज़ जैसे कि आप मान लीजिए मुख्यमंत्री का बहुत सारे स्कीम चल रहा है, जैसे कि निपुण बिहार स्कीम हो गया, फिश ऑन व्हील स्कीम, हॉर्टिकल्चर स्कीम, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे पद्मश्री अवार्ड किसी को मिला हो, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ देख लीजिएगा, मान लीजिए कि कहीं पूछ लिया जाए तो, जैसे कि मान लीजिए ब्यास आपको बिहारी अवार्ड बाईसवा माधव हाडा को मिला है, ये सब देख सकते हैं, पद्मश्री पद्म विभूषण किसको मिला है, ये सब कुछ अपॉइंटमेंट भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी कौन है गवर्नर, या मान लीजिए आपको थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं, जैसे कि कोई कोई जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट से कोई बढ़िया पॉलिटिकल लीडर हो वो सब देख सकते हैं, या कुछ मान लीजिए बिहार से कोई बड़े नेशनल लेवल पे आ रहे हो उनका ये नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए, मुद्दा बहुत सारा जैसे कि पहले भी हम लोग डाल चुके हैं तो आप लोगों को भी ये मतलब कि आइडिया होगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको EVM का यूज फर्स्ट टाइम मतलब कि पंचायत इलेक्शन में इस बार कराया गया था तो उससे भी पूछा जा सकता है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। आप मान लीजिए वीमेन से कुछ करना चाहते हो तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक और वीडियो हम लोग लेकर आएंगे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, उसका अलग से लाएंगे, और अपनल वाला अगर हम लोगों ने डाल ही दिया जॉब प्रिफ्रेंस वगैरह एजुकेशनल बैकग्राउंड तो वो आप लोग देख सकते हैं, नेशनल लेवल का अलग से लाएंगे, जैसे मणिपुर हो गया आपको, नो वायलेंस हो गया, चंद्रयान 3 आपको, दिल्ली फ्लड आपको, आदित्य L1, मान लीजिए अभी UCC न्यूज में चला, Luna 25, G20, ब्रिक्स आपको, स्पेशल सेशन, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो आप उस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको बिहार का जैसे कि इंडिया में अगर किसी से कंपेरिजन करने के लिए बोल दिया जाए केरला वगैरह से, या आप दिल्ली में रह रहे हो तो उसका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो अदर स्टेट का भी आप जैसे जहाँ पे रहे हो तो केरला का मान लीजिए लिटरेसी रेट अच्छा है आपको, आपको सेक्स रेशियो अच्छा है तो उसको भी आप लोग कर लेंगे, और बिहार का बहुत सारा जैसे कि इशू चलता है, जैसे कि अभी आप लोग देखे थे मिनरल्स वगैरह जैसे जमुई वगैरह न्यूज़ में था तो वो सब देख लेंगे, सोना का जो माइंस मिला था, तो कुछ और भी न्यूज़ में जो जो अभी अपडेट होते जाएगा तो आप लोग करते चलेंगे, तो लेटेस्ट कोई घोषणा आता है तो उसको, जैसे अभी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, या मान लीजिए टीचर को मतलब कि आपको क्या बहुत सारा चेंजेस लाया गया एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको आपको थोड़ा सा मतलब कि एक आई बनाकर रखना पड़ेगा उस पर, तो आपको हॉलिस्टिक नॉलेज का ज़रूरत पड़ेगा, और नेक्स्ट वाले में हम लोग इंटरनेशनल नेशनल लेवल का करंट अफेयर लेकर आएंगे, तो इसमें और भी आप अपने तरफ से ऐड करिएगा या कुछ छूट जाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर हम लोग का ये आपको 7 नंबर हो गया, अब यहाँ पे हम लोग 8वां नंबर में वहीं नेशनल इंटरनेशनल करा देंगे, और 9 नंबर पार्ट में आपको ये कराएंगे जिसमें कि आपको एक फैक्चुअल और जो अदर सब्जेक्ट का, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट का हो लेकिन पॉलिटी का बेसिक चीज़ पूछा जा सकता हो, इकोनॉमी का पूछा जा सकता हो, ज्योग्राफी का कुछ पूछा, इन्वायरमेंट का, तो ये करा देंगे, और सिचुएशनल बेस वाला लास्ट में कराएंगे, और फिर सबको क्लब करके एक आपको मैराथन सेशन ला देंगे, आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी, आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा, जैसे कि किसी मतलब कि जो इंटरव्यू दिए हैं ऑलरेडी उनका आपको मतलब कि ट्रांसक्रिप्ट हम लोगों ने शेयर किया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं,
ये 67 BPSC इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्च करिएगा मॉडल मॉक इंटरव्यू, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। और हम लोग इस साल का भी मॉक इंटरव्यू खुद से भी प्रिपरेशन करके मतलब ये डाले हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। और मेंस के लिए भी हम लोग ये टॉपिक्स बहुत सारा डाल रहे हैं, जैसे कि आपको अरित्या एलेवन ये 69 BPSC मेंस के लिए है, या आप मान लीजिए कोई और भी स्टेट पीस कर रहे हो तो वहाँ के लिए। प्री के लिए भी हम लोग जैसे कि MCQ वगैरह और करंट अफेयर डाले हैं, मैराथन आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्रेस द बेल आइकन, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ISP इज पॉसिबली। आई एम प्रेम कुमार, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 67 BPSC इंटरव्यू गाइडेंस पिलर नंबर 8। इसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्या है, कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स कैसे तैयार करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू न्यू टू माई चैनल, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन। देखिए, ये हम लोग आपको 7th नंबर पार्ट तक करा चुके हैं, जिसमें कि बिहार का करंट अफेयर था। 6th में आपको थोड़ा सा ऑप्शनल के बारे में, और 5th में आपको ये यहाँ पे हम लोगों ने करा दिया था जॉब, और आपको ये अभी जो आप पोस्ट प्रिफ्रेंस कर रहे हैं उसके बारे में। और यहाँ पे 10th नंबर जो हम लोग कराएंगे ना, वो आपको करा देंगे सिचुएशन बेस्ड वाला लास्ट में। इसमें एकदम आपका पर्सनालिटी और कॉमन सेंस का यहाँ गेम रहेगा, और कैसे डिसीजन लेते हैं, मेच्योरिटी कितना है आपको उसको सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और 9th नंबर में हम लोग कुछ होलिस्टिक नॉलेज, जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स टाइप का जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको हम लोग करा देंगे। तो इसमें हम लोग 8th नंबर में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा ना, तो जैसे कि आप मणिपुर वायलेंस को देख सकते हैं, पहले न्यूज़ में था, रशिया यूक्रेन 12 अभी भी चल रहा है, क्योंकि G20 में पुतिन नहीं आ रहे हैं तो G20 भी न्यूज़ में है। आपको उस तरह से दिल्ली का प्लॉट न्यूज़ में था, अगर वहाँ से हो या तैयारी की हो तो आपको जानकारी होगा। चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 हो गया, ये सारा चीज़। पटना मेट्रो का चल रहा है, ये आपको मान लीजिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। आपको ये नू में जो वायलेंस हुआ था वो भी, क्या उसका सोल्यूशन होगा, क्या रीज़न था, ये सारा चीज़। आपको लूना 25 जो फेल कर गया ये रसिया का, तो इंडिया फर्स्ट ये साउथ पोल पर लैंड करने वाला बन गया, ये सारा चीज़। तो चंद्रयान 3 भेजना क्यों ज़रूरी था, या आदित्य L1 उसके बाद बैक टू बैक इसरो का अचीवमेंट, तो आपको इंडिया क्या मतलब कि स्पेस सेक्टर में ग्लोबल लीडर के रूप में निकल कर आ सकता है, ये सारा चीज़। तो आप एक एक सेक्टर पकड़ लीजिए, जैसे इकोनॉमी का सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटी में क्या डेवलपमेंट हो चल रहा है, आपको साइंस एंड टेक में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, सोसाइटी सोशल वाला में क्या डेवलपमेंट चल रहा है, ये सारा चीज़ आपको करना है। तो जैसे कि आपको ये चीज़ सुने होंगे राहुल गांधी पे मोदी सरनेम केस, तो ये थोड़ा पुराना होगा। दिल्ली सर्विसेज बिल हो गया, आपको डाटा प्रोटेक्शन बिल हो गया, OBC पे G Rohini का पैनल रिपोर्ट हो गया, आपको CGI को अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो है। देखिए, ये सारा जो टॉपिक्स है ना हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, मैराथन भी एक डाल दिया, एक और कल आ जाएगा, ये कल 5 सितंबर को अगर कोर्ट का डिसीजन आता है हम लोग मैराथन लेकर आ जाएंगे। उस तरह से जैसे सेडिशन लॉ हो गया, 3 नया बिल आया है, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, ये सब आप डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि राजद्रोह के बारे में, आप उसका क्रिटिसिज्म वगैरह जाकर अच्छे से देखिए, एक होलिस्टिक कवरेज है। आप जैसे शिवशक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट क्या है, लग्रांजे पॉइंट क्या है, ब्रिक्स का 15वां समिट हुआ है, ठीक है, उसमें 6 नया मेंबर जोड़ने का बात किया जा रहा है, ये सारा टॉपिक्स तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। ये ब्रिक्स वाला अगर नहीं देखो तो जाकर देख सकते हैं। G20 भी अभी हम लोग लेकर आने वाले हैं। उसके बाद आपको आदित्य L1 डिस्कस कर दिया हम लोगों ने, 1 नेशन 1 इलेक्शन, UCC हो गया, वो सारा चीज़ आपको कवर करना है, ठीक है। जैसे G20 में आपको इस बार इंडिया के पास अध्यक्षता है, तो क्या मतलब कि इसमें अचीवमेंट हो सकता है, अभी G20 का जो 8, 9, 10 सितंबर को ये चल रहा है उसमें क्या आउटपुट निकल कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, अभी तो ये चल ही रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, कौन कौन आ रहे हैं, ये सब चीज़ किस किस मुद्दा पर डिस्कशन होगा, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ये सब करना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना क्या इम्पोर्टेंट मतलब है, ये स्पेशल आपको सेशन बता ही दिया हम लोगों ने क्यों आ रहा है, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा है, ये हम लोगों ने एक शॉर्ट ब्रीफ आपको दे दिया, जैसे कि आपको जम्मू कश्मीर में भी कुछ बिल आया था ST को रिजर्वेशन को लेकर, तो मान लीजिए थोड़ा सा ये हो गया। लेकिन जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे कू में ये आपको देखने को मिला था, क्या बोलते हैं उसको, ये तख्ता पलट हो गया। अभी आपको जैसे कि ब्रिक्स के कारण आपको जैसे कि ये चाइना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स में बोला है ना सऊदी अरबिया और पाकिस्तान को ऐड करिए, तो इंडिया उसके अपोज कर रहा था, तो ये देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका न्यूज़ में हो सकता है, मिडिल ईस्ट न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स का समिट हुआ है। आपको G20 में इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया तो इम्पोर्टेंट है ही। उस तरह से आप और भी चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कीम न्यूज़ में चल रहा हो, जैसे कि PM विश्वकर्मा योजना, ये सारा चीज़ है, आप इसरो के बारे में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो बिहार से रिपोर्ट जैसे कि हम लोगों ने बताया था, वो टॉपिक को यहाँ से भी आपको इंक्लूड करने का प्रयास करेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ रिपोर्ट आया हो, तो इंडिया का बहुत सारा खराब मतलब कि स्थिति चल रहा है, आपको डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, या कुछ और SDG में
क्या चल रहा है तो वो देख लीजिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बहुत बड़ा इशू है आपको, ये आपको हंगर इंडेक्स हो गया, आपको पॉवर्टी, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये इंडिया क्या इम्प्रूवमेंट किया है, बिहार का क्या कंडीशन है, आत्मनिर्भर भारत योजना हो गया, तो ये सारा चीज़ आपको मतलब कि एक तरह से रिलेट कर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का क्या कंडीशन है, बहुत सारा अभी टमाटर का दाम बढ़ गया था, ठीक है, वो कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर का या कुछ बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉल्यूशन का इशू चल रहा है, आपको बहुत सारा स्लाइड देखने को मिला था, लैंडस्लाइड वो हो गया, अफगानिस्तान में भी कुछ इशू चला था वो देख सकते हैं, चैट जीपीटी देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा। उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन उसको भी थोड़ा सा देखिए जाइएगा। सोशल मीडिया का कुछ रूल्स वगैरह चेंज हो रहा है क्या, स्पोर्ट्स का क्या कंडीशन चल रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग पीछे हैं कि क्या है, ठीक है, वायलेंस वगैरह पे भी बहुत सारा न्यूज़ चला था, मॉब वायलेंस को लेकर, आपको लव जिहाद हो गया, या ये बाबरी मस्जिद था, या आपको ज्ञानवापी मस्जिद था, उसको भी देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा। कुछ कुछ और जो मिशन है, जैसे गगनयान अभी आने वाला है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। तो ठीक है, ये इतना सारा अगर आप कर लेते हैं ना, तो बहुत सारा मतलब कि आपका चीज़ प्रिपेयर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इसको शॉर्ट में ही रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप जैसे कि देखिए, हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, जैसे कि आप मणिपुर में किस तरह का तैयार करेंगे, मणिपुर वायलेंस कैसे हुआ था, क्या कॉज था, इफेक्ट क्या पड़ा, एक एक हॉलिस्टिक डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और मैराथन भी डाला हुआ है, तो उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और कटअप वगैरह हम लोगों ने डाल दिया, रिजल्ट कल ही आएगा और आने का उम्मीद है, और अभी उसका काउंटर एफिडेविट बीपीएससी के द्वारा फाइल किया गया है। तो हम लोग और भी डिस्कशन लेकर आएंगे, तो आप लोग बने रहेंगे चैनल पे, ठीक है फ्रेंड। और जैसे कि बहुत सारा ये, जैसे कि हम लोगों ने है यहाँ पे देखिए, ये आज का जो हम लोग का ना 8 नंबर ये था, इससे पहले हम लोग 7 डाल चुके हैं, जैसे कि अपने पर्सनालिटी के बारे में, आपका ड्रेस क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एटीट्यूड किस तरह से डेवलप करना है ऑफिसर टाइप का, तो वो सब वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। 10 पिलर के हम लोग बना रहे हैं, 10 12th में आपका क्या ये बैकग्राउंड रहा था, आपने ग्रेजुएशन किस समय किया था, कैसे किया, पीयर को आपको जस्टिफाई करना है, क्या आपका अपना क्या उसका यूटिलाइज हो सकता है, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक हमने डाला है, अपने चंपाने के बारे में, आप लोग उसके बेसिस पर अपना तैयार कर सकते हैं। आप अपना ऑप्शनल के बारे में हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया सबका दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं, बिहार है या कोई अदर स्टेट, यूपी या एमपी कहीं से आते हो तो उसके बारे में वो सारा आप लोग देख सकते हैं वीडियो। हॉबी आपका क्या है उसके बारे में हम लोगों ने बताया था, अपना एक योगा का हम लोगों ने डाल दिया था, उसी बेसिस आप लोग और तैयार कर सकते हैं, या वीडियो सर्च करिए यूट्यूब पर, बहुत सारा आपके जो हॉबी होगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। पोस्ट प्रिफ्रेंस क्या डालना है, जॉब के बारे में, आपके किस पोस्ट पर जॉब करते हैं उसका, वो सब हम लोगों ने डाल दिया है। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इशू था, वो भी हम लोगों ने एक अलग वीडियो डाल दिया, वो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शनल का हो ही गया। और यहाँ पे बिहार का आपको सर्विस प्रेफरेंस भी बता दिया हम लोग, ये लास्ट हम लोग का आएगा सिचुएशन बेस पे, जैसे कि दो आपको मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दोनों का आपको निकालना है, आपको रैली किस तरह से निकालेंगे, डिसीजन मेकिंग आपका क्या होगा, आईक्यू कैसे यूटिलाइज होगा वो, और बिहार का हम लोगों ने डाल दिया पूरा एक अच्छा से 12 मिनट का वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल का भी यहाँ पे कवर कर ही दिया, और एक अभी 9 नंबर पे आएगा पिलर, जिसमें कि फैक्चुअल और प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस पी सी पॉसिबली, आई एम प्रेम कुमार। देखिए इस वीडियो में हम लोग 67 बीपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइडेंस में 9 नंबर पिलर पे आ चुके हैं, इसमें आपको पहले 7th एंड 8th हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, जिसमें कि बिहार और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का आपको बताया था मैंने टॉपिक्स, उसमें आपको मेंस का बहुत ज़्यादा मतलब कि जो प्रिपरेशन किया जो टॉपिक्स उसका आपको नॉलेज यूटिलाइज होगा, लेकिन इसमें फैक्चुअल और जनरल टॉपिक्स जो पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करें, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स का बहुत सारा नॉलेज इसमें आपको यूटिलाइज होगा। लेकिन 10th नंबर जो हम लोग का लास्ट पिलर आएगा कल, इसको हम लोग डाल देंगे, उसमें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें आपका पर्सनालिटी आपका कॉमन सेंस ज़्यादा यूटिलाइज होगा। तो ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है बीपीएससी, और देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो, इट्स नंबर रिक्वेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, उस तरह से हम लोगों ने 8 तक पिलर डिस्कस कर दिया, 9th पिलर में डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत सारा इंटरव्यूअर, आप मॉक इंटरव्यू अगर सुने होंगे तो देखे होंगे कि किसी से ना डायरेक्ट मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई मतलब एनालिसिस वाला क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि G20 में इंडिया अगर ये अध्यक्षता कर रहा है तो क्या क्या फायदा हो सकता है, तो आप ये बता रहे हैं, लेकिन बीच में कोई पूछ दिए कि आप बताइए कि मणिपुर का क्या ये कैपिटल है, तो इस तरह का पूछा हुआ है किसी का, आप इंटरव्यू सुनिएगा, बहुत लोगों से पूछा जाता है। तो ये मतलब कि जो फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे आपसे मान लीजिए पूछा गया कि कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो सबसे मतलब कि अच्छा सेक्स रेशियो में है, या लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा अच्छा हो, तो ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा वन लाइनर फैक्चुअल टाइप का। ये या मान लीजिए आप, ये तो हो गया वन लाइनर टाइप का, और भी मैं चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि आपसे मान लीजिए ऑप्शनल हो गया, ये मेंस में जो बिहार ये सब नेशनल जो भी हो गया आपका, लेकिन ऑप्शन के अलावा मान लीजिए कि या आप जो पढ़े हैं ग्रेजुएशन उसके अलावा ये पूछा जाता है। मान लीजिए आपने किया हिस्ट्री से ग्रेजुएशन, आपने
ये ऑप्शन मिल गया है, मान लीजिए नहीं आपने मान लीजिए किया है बीटेक, ठीक है, आपने किसी सिविल से बीटेक कर लिया है, आप ले लिए हैं ऑप्शनल जो है LSW, ठीक है, तो आपसे बीटेक जो किए हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है बेसिक टाइप का, लेकिन LSW से तो बहुत पूछा जाएगा क्योंकि आपका ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे बीटेक LSW, उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स होता है जो कि करंट में हो या ऐसे भी पूछा जाता है जनरली बेसिक जो टाइप का होता है, जैसे कि आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपको जैसे कि BPSC मेंस में भी आता है ना, जैसे कि आपको ये जुडिशरी से रिलेटेड जुडिशल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशल रिव्यू क्या है, क्या जुडिशरी अपना मतलब कि जो दायरा है उसको पार कर रही है, या बिहार में आपको वोट कास्ट पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, लिकर बैन जो शराबबंदी चल रहा है उसके बारे में, तो ये तो करंट भी हो गया, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो कैसे कंट्रोल करिएगा आप, या जो आपको RBI जो स्टेप ली है क्या वो सही है, या आपको कुछ और मतलब कि सजेशन दे सकते हैं, या मान लीजिए यूरोपी में बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा है, या मान लीजिए जैसे यूरोपी में आपको मौसम परिवर्तन कैसे होता है, आदित्यवन से जोड़कर कुछ चीज़ें पूछा जा सकता है, तो ये आप इसके लिए तैयार होंगे अदर सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री में भी कुछ बहुत बड़ा मान लीजिए अचीवमेंट हो, जैसे कि 10 साला सिस्टम पूछ लिया गया, या शेरशाह का पूछ लिया गया, बख्तियार खिलजी या नालंदा पर अटैक करने वाला, कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको मधुबनी कला पूछ लिया गया, आर्ट एंड कल्चर, तो बेसिक के लिए आप तैयार रहेंगे। तो ये सारा सब्जेक्ट एक जनरल हो गया, जो 8 हम लोगों ने क्लियर करा दिया उससे हटके, और 10th जो है वो तो सिचुएशनल है, तो ये एक अलग टाइप का जनरल जिसमें सारा चीज़ हॉलिस्टिक नॉलेज कवर होगा, तो ये सारा चीज़ आपको करना है। इसमें क्या करना है ना, आपके प्री का जो करंट अफेयर का जो चीज़ है, प्रीलिम्स का करंट अफेयर, मान लीजिए यूटेरिया, SPD या मान लीजिए परफेक्शन जो भी पढ़ रहे हो उसको कर लीजिएगा, तो बिहार का स्पेशली करिएगा, और थोड़ा सा नेशनल लेवल का भी थोड़ा थोड़ा कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कौन है आपको ये वास्तुकार आर्किटेक्ट, पटना मेट्रो चल रहा है, इस तरह का कुछ कुछ, आदित्य लोन के कोई डायरेक्टर वगैरह, या ये सब कर लीजिएगा। आपको इन्वायरमेंट में कुछ कुछ जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसका पूछा जा सकता है कि इंडिया में क्या फॉरेस्ट रिपोर्ट है, या तो ये आप मतलब कि हर एक टाइप का क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल ऑनलाइन है जो PT के लिए पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 69th के लिए भी पढ़ ही रहे होंगे या पढ़ेंगे ही, तो इसके आपका ये 9th में फैक्चुअल हो जाएगा तैयार, और थोड़ा सा जो मेंस का तैयारी किए थे आप वो कॉपी खोल लीजिएगा, तो 7th और 8th आपका पिलर तैयार हो जाएगा। 10th नंबर के लिए हम लोग कराएंगे बहुत ही अच्छा डिटेल वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे, और भी कुछ आपको इथिक्स का आप UPSC का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, वहाँ से आपका सिचुएशनल क्वेश्चन कुछ तैयार हो जाएगा, या मॉक इंटरव्यू देखिएगा, और उससे पहले आप देखिएगा 6 पिलर जो था आपको उसमें हम लोग डिस्कस किए थे जॉब वगैरह, तो आप खुद से ही तैयार कर पाइएगा, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ऑप्शनल तो आपको अपना ही तैयार करना पड़ेगा, इसमें हम लोग ज़्यादा है हॉबी वगैरह हम लोग डाल दिए, आप लोग अपना जो होगा कर लीजिएगा, होम डिस्ट्रिक्ट ये वीडियो हम लोग अच्छा डाल दिए हैं उसका आपको तैयार कर सकते, एजुकेशनल बैकग्राउंड तो आप अपने अनुसार तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सारा टॉपिक्स है, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे कि अभी आपसे पूछा जाए कि बिहार में कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खुल रहा है, ये आप बताइए राजगीर में खुल रहा है क्या, या मान लीजिए आपको स्कीम ही पूछ लिया गया कि आपको वीमेंस का कोई या जीविका का स्कीम मतलब कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या लागू हो रहा है क्या, तो इस तरह का कोई आप मान लीजिए कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा हो उसको देख सकते हैं, सेंसस का डाटा ही पूछ लिया गया, जैसे कि अभी सोचिए बिहार में कास्ट सेंसस चलाया जा रहा है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, NFHS 5 का डाटा याद रख लीजिएगा, कोई पॉलिसी बिल आया हो बिहार सरकार के द्वारा उसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जल जीवन हरियाली मिशन, 2 स्वच्छ भारत मिशन, तो ये सारा ऑनलाइन है जो है ना तैयार कर लीजिएगा, बिहार की पहली मान लीजिए वीमेन जज कौन है, या बिहार की पहली कोई और चीज़ पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि अभी आपको ये बनी है ये मिस इंडिया बनी है उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे आप, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा वगैरह तैयार कर लीजिएगा, जैसे बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में, या मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बिहारी अवार्ड जो मिला है 3200 किसको मिला है, इस तरह से आपको सुभद्रा देवी न्यूज़ में रही है उनको पद्मा अवार्ड मिला है क्या, तो इस तरह से आपको इंदु परमा सिंह है, ठीक है, तो कोई स्कीम चल रहा हो जैसे हर घर गंगा जल योजना, ये भी ऑनलाइन टाइप का पूछा जा सकता है, निपुण बिहार स्कीम, मान लीजिए मौसम बिहार ऐप मोबाइल ऐप, ये सब आप 7 नीचे में भी ऑनलाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ इंडेक्स में क्या है रैंक बिहार का, या मान लीजिए मल्टी डायवर्सन पॉवर्टी इंडेक्स में क्या है, STG में क्या है, इस तरह से आपको ऑनलाइनर के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है, तो जैसे कि कौन बनी है बिहार के स्टेट आइकॉन, खादी की कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, बिहार में स्टेट इलेक्शन हुआ है आपको पंचायत का म्यूनसिपल इलेक्शन का, तो मान लीजिए पटना की कोई मेयर है तो सीता साहू है तो वो भी आपको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, OCR टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था म्यूनसिपल इलेक्शन, पहली बार EVM यूज़ किया गया था बिहार पंचायत इलेक्शन, वो भी याद कर सकते हैं, वीमेन जो है अभी आपको 8 ग्राम पंचायत में एक ब्लॉक है जिसमें कि 8 ग्राम पंचायत में सभी जो है वीमेन हेड कर रही है, अनुष्का कुमारी सबसे कम बनी है टाइम की ये हेड, उस तरह से बिहार का कैबिनेट में देख लीजिए अनिता देवी, रेणु देवी, शीला कुमारी, लेसी सिंह, इस तरह का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे मथौली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, वेस्ट चंपारण बन रहा है, ठीक है, आपको APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में बन रहा है तो बापू टावर कहाँ बन रहा है, पटना में बन रहा है,
आपको जैसे कि मान लीजिए फॉरेस्ट सर्वे में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है बिहार में, आपका जिला का क्या कंडीशन है, लिटरेसी रेट में क्या है, तो ये सब तैयार रखना पड़ेगा। विमेन से ही रिलेटेड कुछ मान लीजिए जैसे अभी चलाया जा रहा है जीविका प्रोजेक्ट हो गया, कौन इस डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा काम कर रहा है, ठीक है आपको, तो उस तरह से चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक सर्वे बजट इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, सर्वे एंड बजट, ठीक है। और बिहार का स्कीम ये जो यूटीरिया या जो भी आया उसको देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए बिहार का जीएसडीपी का या ग्रोथ कितना है डायरेक्ट पूछा सकता है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा सबसे ज़्यादा किस पे खर्च किया जा रहा है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है, लेबर का क्या कंडीशन है, ई गवर्नेंस में कुछ चल रहा है क्या, तो अर्बन डेवलपमेंट कोई मान लीजिए स्मार्ट विलेज का कॉन्सेप्ट चल कर रहा है क्या, तो ये सारा मखाना में क्या कोई टॉप कर रहा है, ये सेंसस वगैरह, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। जैसे सेक्स रेशो अभी 1090 हो गया है क्या बिहार का, कमेंट बताइएगा। तो ये सारा चीज़ जो है आप ही को तैयार करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग, तो या मान लीजिए कोई कोई चीज़ चल रहा है जैसे अगवानी ब्रिज आपको क्लोज कर गया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, ब्लड बैंक खुला है आपको मुजफ्फरपुर में, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अभी फोर्थ एयरपोर्ट कहाँ पर खुल रहा है ये आप लोग कमेंट बताइए, क्या आपको पुणे में खुल रहा है, पहला पटना में है, दूसरा क्या गया में है, तीसरा क्या दरभंगा में है, ये सब आपको बताना होगा। जैसे कि नया नया आपको मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी खुल रहा है, डिजिटल करेंसी ई रूपी पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरा मतलब कि इंडिया में पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इस तरह का आपको मतलब फैक्ट जो स्पेशल है डिफरेंट है जो यूनिक है उसको प्रोग्रेसिव न्यूज है ना उसको करना पड़ेगा। जीआई टैग हो गया जैसे मिर्चा राइस वेस्ट चंपारण का है, उसको भी जीआई टैग आपको अप्रैल 2023 में मिल चुका है, तो जीआई टैग वाला टॉपिक्स हो गया। माँ बोधि कॉरिडोर बनाया जा रहा है आपको, जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उस तरह से आपको करके रखना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज़ है, आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। इंडिया का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया, पटना में खोला गया है, ठीक है, तो ये सब चीज़ है आपको करना पड़ेगा। इंडिया का पहला न्यूट्रिशनल विलेज कौन बना है, जैसे कि कुकरी विलेज बना है पटना डिस्ट्रिक्ट के आसपास, तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है आपको करना पड़ेगा, तो आप करते रहिएगा। जैसे कि बिहार का सिटी फॉरेस्ट पार्क आपको गया में खुल रहा है, तो ये सारा चीज़ आपको एक तरह से फॉरेस्ट मैंने बता दिया फैक्चुअल वगैरह या जनरल टॉपिक्स इकोनॉमी पॉलिटी जियोग्राफी, आप और भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर इन्वायरमेंट हो गया, तो जैसे कि बेसिक चीज़ जैसे कि आपको कुछ और हो आप लोग गेस करके अपने तरफ से कुछ बताइएगा। और जो नेशनल इंटरनेशनल है बड़ा मुद्दा एनएसएस वाला, वो तो पहले ही भी कवर हो गया है 8 9th 11 में, 10th में वो लोग ये आपको ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, और इसके पहले और सब ये तो डाल ही दिए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और इसके पहले आप ब्रिक्स समिट वगैरह नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा, आदित्य L1 ये हम लोग दिखा चुके हैं, 6 मोर कंट्री को ब्रिक्स मिला है, चाइना इसमें सऊदी अरबिया को इंक्लूड करना चाहते हैं, इंडिया इसको पुश कर रहा है, क्यों कर रहा है, G20 इंडिया को चेयरमैनशिप मिला तो क्या इससे फ़ायदा हो सकता है, ये सारा टॉपिक्स आप लोग अपडेट रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्रेस जो बेल आइकन करके रहेंगे, तो UCC का क्या मुद्दा है, स्पेशल सेशन बुलाया गया इसमें क्या चलेगा, तो ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। हम लोग मैराथन सेशन नेशनल का डाल दिए हैं और इंटरनेशनल का भी, उसमें बिहार का भी डाला हुआ है आपको, हम लोग आपको अभी जो है एक और लेकर आएंगे दूसरा, और आपको एक गाइडेंस का जो ये चल रहा है सीरीज उसका भी हम लोग आपको मैराथन सेशन डाल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बी पेशेंट, एवरी थिंग कम्स यू एट द राइट मोमेंट। हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल आई एस पी सी एस पॉसिबली, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 67 बी पी एस यू इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पिलर नंबर 10। इसमें हम लोग सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको बैलेंस अप्रोच रखना है, केस स्टडी टाइप का होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें व्हाट व्हाई हाउ इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे आपको जो पिलर नंबर जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे 10th पिलर में, ये अबाउट यू एंड पर्सनैलिटी, एक नंबर में फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, फिर होम डिस्ट्रिक्ट या आपका जो भी स्टेट था वो, हॉबी जॉब ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, या आपका ये करंट इशू में बिहार का अलग से नेशनल का अलग से, आपका फर्चुअल और जो थोड़ा सा प्रीलिम्स टाइप का जो जनरल क्वेश्चन होता है वो, और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। और आप अगर ये इंटरव्यू का जो हम लोग करेंट अफेयर्स का मैराथन चला रहे हैं, अगर नहीं देखा हो इंटरव्यू का वो जाकर देख सकते हैं, आप लोगों के लिए हिंट डाला गया है। अब चलिए लेट्स स्टार्ट कि ये वाला जो हम लोग का टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले है ना कि ये सिचुएशनल क्वेश्चन आपको देखकर आपको चेक किया जाता है कि आपको मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें आपको एकदम कूल एंड काम बना रहना है इंटरव्यू के दौरान। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ में, कोई भी आंसर नहीं, आप सोचिए उसको, एक थोड़ा सा पॉज लीजिए, आराम से सोचिए फिर आंसर दीजिए। जिस तरह का आपको सिचुएशन दिया जा रहा है आप उसमें बेस्ट निकालने का प्रयास करिए। इसमें लॉजिक बहुत अच्छा लगता है, आप अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन तैयारी करके। जैसे इथिक्स में क्वेश्चन होता है ना यूपीएससी में, उस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इंटरव्यू मॉक या यूट्यूब पे गूगल पे देखने का प्रयास करेगा। देखिए ये चीज़ है कि क्यों पूछा जाता है, आपको पॉजिटिव
प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है। मान लीजिए आपके पास कार्य करने का तरीका है, लेकिन कार्य में मतलब कि किस टाइप का डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपको ये यहाँ पे भीड़ हुआ, आप गोली चलवा दिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिए, नहीं, आपको ऐसा करना है कि मतलब कि आपको एक्शन से किसी को मतलब कि हैम्पर भी नहीं हो और काम भी अच्छे से हो, इस तरह का आपका मतलब कि एटीट्यूड डेवलप करना है। तो पॉजिटिव और एटीट्यूड आपको दिखना चाहिए वहाँ हर हर जगह पर, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड। देखिए कहीं पे भी सरकार का जो क्रिटिसाइज करना होगा ना, तो एकदम ऐसे क्रिटिसाइज करेगा कि पता भी नहीं चले और आप उसका मतलब कि एक सोल्यूशन भी देकर निकल जाए। बायसनेस आपका नहीं दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि एक जुलूस निकालना है मुस्लिम का भी हिंदू का भी, तो आप किसको प्रीफर करिएगा इस रास्ते से जाने के लिए, दोनों इसी रास्ते से बोले जाने के लिए, तो आपको ऐसे नहीं बताना है कि हिंदू को जाने देंगे या मुस्लिम को। आपको एक जस्टिफाई आंसर देना पड़ेगा, एक मतलब कि ऑथेंटिक चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या है, तब जाकर होगा। कॉमन सेंस का यूटिलाइज करिएगा, अलर्ट रहिएगा, इथिकल वैल्यूज़ का वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको, ये सब आपका हम्बलनेस चेक किया जाएगा वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि एग्रेसिव नहीं होना है, एकदम हम्बल बन के आपको सारा इथिकल आस्पेक्ट, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, करप्शन नहीं हो, अच्छे से काम हो, नॉन पार्टनरशिप हो। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए जिस कास्ट को हो उस कास्ट को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पैसा आपको सिचुएशन दिया तो नहीं। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये हम लोग का हो गया कि किस तरह से आपको क्यों पूछा जाता है, कैसे आपको रिएक्ट करना है, किस तरह का इंसिडेंट दिया जाएगा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है, किसी के घर में या आप ही के घर में हो रहा है, तो आप कैसे उसको टैकल करिएगा। तो वो चीज़ जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे जैसे दारू पीकर, ये पुरुष लोग जो महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, ये सारा चीज़, तो इसको आपको बताना है। जैसे रेप हो गया तो आप क्या एक्शन लेंगे, इस तरह का चीज़ें, आग लग गया तो क्या करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपको एक, मैं एक सिचुएशन देता हूँ, आप कोई मतलब कि ये आप कोई केस पे काम कर रहे हैं कोई आपका, तो उस पे आपका सीनियर बोल रहा है ना कि आप इस केस को छोड़ दीजिए, या आप इस केस को मेरे अनुसार, ये जो मैं बोला हूँ उसको टैकल करिए उसके अनुसार करिए, या कोई मिनिस्टर बोल रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, तो क्या आप किसके बात को मानेंगे। तो देखिए इसमें आप सीनियर आपसे ऊपर है तो मानना ही पड़ेगा, मिनिस्टर भी आपसे मतलब कि लेजिस्लेटिव में उसका भी पावर है, तो या आप डर के ट्रांसफर नहीं करा दे आपका, या कोई सस्पेंड नहीं करा दे, इसके चलते तो नहीं ना डिसीजन लेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको देखिए, आपको जो भी हो रियल में आप कोई भी काम करते, लेकिन इंटरव्यू में एकदम आपको मतलब फिर क्या बोलते हैं उसको, एकदम आइडियल बन के रहना है। जैसे कि आप बोलेंगे कि हाँ सीनियर का बात मानेंगे अगर वो सही डिसीजन देंगे तो, और गलत कुछ डिसीजन देंगे हम मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, तो मैं बोलूँगा उनको रिटर्न में दीजिए। मिनिस्टर को भी बोल सकते हैं रिटर्न में, ये रिटर्न में देंगे ही नहीं, तो ये आपका प्यास मतलब आज़ादी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एकदम सेफ साइड से खेलना है, ठीक है, डिफेंसिव भी, और आपको ठीक है ये सारा चीज़ आपको रखना है। अब देखिए इसमें आपको डिसीजन मेकिंग पावर चेक किया जाए, तो मान लीजिए हिंसा वाला जैसे नू वायलेंस हुआ या मणिपुर वायलेंस हुआ, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं अगर वहाँ के आप SDM रहते या DYSP रहते, तो ये सारा चीज़ आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा। कोई रायट हो गया, दंगा हो गया, मॉब वायलेंस, मॉब लिचिंग बहुत सारा होता है, तो आप इसमें कैसे रोकेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको तैयार करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक तरह से आपको गाइड कर रहे हैं, आप लोग इस पे तैयार करेंगे, इतना सारा मतलब कि टाइम, बहुत सारा ये इस पे टाइम लगेगा, तो आप लोग अपने तरफ से करने का प्रयास करिएगा। मैं भी अभी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। देखिए जैसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड आपको चेक किया जाएगा कि भ्रष्टाचार या करप्शन पे आप कोई मतलब लेंगे या नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर जैसे ऊपर बोला मैंने मिनिस्टर वगैरह का, तो सीनियर वगैरह का, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि कोई काम हो रहा है, आपको कोई पैसा आकर दे रहा है, और नहीं तो बोल रहा है कि धमकी दे रहा है कि आपको मार देंगे, तो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो आप पैसा ले लेंगे या आप उसको डर जाएंगे। तो आपको ये चीज़ एक टैकल करना पड़ेगा ना, आप पैसा नहीं लीजिएगा नहीं क्योंकि करप्शन में पकड़ा जाएगा, मैं आप करप्शन आपको करना नहीं है, सिविल सर्वेंट का ये गुना ही है, तो ये सारा चीज़ आपको नॉन पार्टनरशिप करना नहीं है, आप धमकी से भी नहीं डरेंगे, आप मतलब आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को के अनुसार आप काम करेंगे, ये सारा चीज़ आपको बहुत सारा अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आप जिस भी पोस्ट पर काम करेंगे तो उससे पूछा जा सकता है आपको, SDM के रूप में, DYSP के रूप में आप क्या काम करिएगा, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्या काम होता है DYSP SDM का, ये सब पोस्ट प्रिफ्रेंस क्या डालें, ये सब इससे रिलेट करते हैं। मनरेगा में काम हो रहा है तो आपका क्या उसमें रोल हो पाएगा, मान लीजिए प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कराते हैं, चावल दाल जो बनता है आपको, अन्न वगैरह, तो उसमें भी, तो ये सारा देख सकते हैं। बहुत सारे देखिए आपका एटीट्यूड से रिलेटेड मिसकंसेप्शन आपको पॉजिटिव निगेटिव चेक किया जाएगा, मिसकंसेप्शन आपका देखा जाएगा कि क्या, सुपरस्टिशन, मान लीजिए कि कोई गांव है, डायन कोई करार दे दिया, वहाँ पे उसको मारा जा रहा है, ऐसा बहुत सारा घटना देखा जा रहा है, तो आप वहाँ पे क्या एक्शन लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका एक मतलब कि पर्सनालिटी झलकेगा ना, तो आप अंधविश्वास में बिलीव करते हैं या नहीं, तो लोगों के विरोध में जाइएगा या नहीं, इस तरह से अगर लोग को आप टैकल करेगा, आप ही पे कहीं मान लीजिए दंगा, ये मतलब आप ही पे लोग अटैक करने लगे कहीं, तो कैसे उसको टैकल करें, ये सारा चीज़ आपको एकदम सेंसिटिव मुद्दा है। जैसे कि वीमेन का हो गया, रेप वाला मुद्दा, क्या इनकाउंटर कर दीजिएगा, इस तरह का आपको सिचुएशन भेज दिया जा सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट में क्या करिएगा, जेल में डाल दीजिएगा सीधे क्या। चाइल्ड पे ट्रैफिकिंग होता है,
आपको बहुत सारा ये बिहार में भी देखा गया था, तो इस पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए चाइल्ड का लेबर से भी रिलेटेड चीज़ है, उसको भी बता सकते हैं आप लोग। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया, आपको पीएम बना दिया गया, सीएम बना दिया, डीएम बना दिया, तो क्या एक्शन लीजिएगा, पहला आपका एक्शन क्या रहेगा, क्या चेंज लाना चाहिएगा देश में, तो ये सारा चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अब देखिए इसमें एक बेसिक मैं यहाँ पे अपने तरफ से बताने का प्रयास करूँगा कि आप कैसे आंसर करिएगा, वो सारा एक लिस्ट ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिया मैंने, कैसे आंसर करिएगा आप अपना तैयार करिएगा। तो केस स्टडी आपको दिया गया तो उसको समझिए अच्छे से, पहले उसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिए जितना भी दे सकते हैं, 20 सेकंड 30 सेकंड, फिर सोच सोच को बोलिए, ऐसा नहीं कि हर बार सकते, सेल्फ प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, थिंक करिए, एथिक्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं तो उसको रिलेट करिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानिए, जैसे कि जो भी आप एसडीएम वगैरह बनना चाह रहे हैं उसका कार्य वगैरह पावर वगैरह जान लीजिए तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। इनोवेटिव आइडियाज सोचते रहिए, पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले इंटरव्यू में नर्वस लोग हो जाते हैं, ये तो अगर आप कर दिए ना तो आपका आधा बैटल इंटरव्यू का दूर हो जाएगा। सोशल इशू को समझिए, जैसे कि मान लीजिए जैसे दहेज हो गया, तो आप अगर शादी करते हैं तो आपको दहेज दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, तो आप क्या करिएगा, नहीं करिएगा। देखिए जितना मैंने यहाँ तक अभी तक बताया ना, सारे को नोट करिएगा, आप क्वेश्चन को आप मॉडल आंसर बनाने का प्रयास करिएगा, उसमें आपका अपना ये चीज़ हो सकता है आंसर, ऐसा नहीं कि इसका जनरलाइज आंसर नहीं हो सकता है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आंसर आपको नहीं पता है, सबको आंसर पता है, आप उसके अकॉर्डिंग जितना अच्छा से देने का प्रयास करिएगा, यहीं से आपका मतलब कि डिफ्रेंशिएट क्रिएट होगा और लोगों से, जनरल लोगों से। जैसे ऊपर ही मैंने बोला ये एक ही साथ एक ही दिन निकालना है तो क्या स्टेप लेंगे, इस पर आपको अपना ये बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप बोलिएगा कि अगर मान लीजिए कि जिसका जरूरी होगा उसको अगर निकालने का मतलब कि आप दे सकते हैं ये ऑर्डर, लेकिन आप चाहिएगा कि एक ही को निकाल ले दिया जाए, किसी को कन्विंस करके दूसरे दिन निकाला जाए, नहीं मानेंगे तो रूट को डाइवर्ट करेगा, अगर नहीं भी मानेंगे तो मान लीजिए जिस रूट से जा रहे हैं अगर वो नज़दीक पड़ेगा तो उनको दिया जा सकता है ये, अगर उनको मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो तो ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम का कोई ये ईद मतलब कि मान लीजिए मॉस्क है, यहाँ से ये लोग लेकर आना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 किलोमीटर है और कोई और रास्ता है जैसे 4 किलोमीटर आ रहे हैं, और इसी रास्ते से मान लीजिए हिंदू लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई मंदिर है 1 किलोमीटर, और यहाँ पे कोई और रास्ता है जो कि 1.5 किलोमीटर है, तो हिंदू वालों को आप बोल सकते हैं कि ये मतलब कि इस रास्ते से आ जाए, कन्विंस भी कर सकते हैं, तो ये सारा चीज़ है। अगर नहीं कन्विंस हो रहे हैं तो ये रद्द भी कर सकते हैं, आपके पास पावर है। दंगा हो गया तो क्या करिएगा, तो दंगा हो गया तो वहीं आपको टीयर गैस छोड़ सकते हैं, या पहले मान लीजिए आप माइक लेकर उसको अनाउंस कर सकते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा, पुलिस लोगों से ये वहाँ पे जो इनोसेंट लोग हैं उसको बचाने का प्रयास करिएगा। इस तरह से आप बहुत देखिए इसमें बहुत सारा पॉइंट है, इसमें आपको किस तरह से पूछा जा रहा है, क्या क्या मतलब काउंटर क्वेश्चन किया जा रहा है, उस पर आप लोग ये मॉक वगैरह में तैयार करिएगा। तो ऑनेस्टी क्या है, इफिशियंसी क्या है, किसको चुनेंगे, ये सब तो आपको भी पता होगा कि ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इफिशियंसी तो उसके बाद भी लाया जा सकता है, लेकिन ऑनेस्टी नहीं रहेगा तो इफिशियंसी ला के क्या करिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको इथिकल वाला क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं। देखिए आप मॉक इंटरव्यू सुनने का प्रयास करिएगा, ये यूपीएससी का भी बीपीएससी का भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो दृष्टि आईएएस पे या धे पे या कोई मान लीजिए और भी बीना एस पटना वगैरह पे मिल जाएगा, तो या किसी का एक्सपीरियंस भी सुन सकते हैं आप लोग वो सब। 67 बीपीएससी इंटरव्यू का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है, वहाँ पे और ज्वाइन कर सकते हैं, इसके वही है जो पहले मैंने बोला, तो किसका एग्जाम सुटेबल है, ये सब एग्जाम देने जा रहे थे, बस का एक्सीडेंट हो गया तो बस को बचाइएगा कि अपना एक्सीडेंट मतलब एग्जाम देने जाइएगा, तो ये एक आपको मतलब कि डायलेमा में रखा जाता है, आप क्या एक्शन लीजिएगा, तो उस तरह का आपको बताना पड़ेगा कि पहले मैं ये एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करूँगा, थाने को इन्फॉर्म करूँगा, वहाँ पे लोगों को कुछ हेल्प करूँगा, फिर अपना ये टाइम होगा तो अपना एग्जाम देने चला जाऊँगा, ऐसा नहीं कि आप अपना एग्जाम भी नहीं छोड़ सकते हैं, या वहाँ का कोई लोग होंगे तो उनको अवेयर करके मैं चला जाऊँगा, इस तरह से भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कुछ डिजास्टर बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लड है, ड्रॉट है आपके एरिया में तो क्या स्टेप लेंगे, तो आप शेल्टर बनाएंगे, रेस्क्यू का, रिलीफ का, रिलोकेशन का काम कराएंगे, ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर से पहले कॉन्टेक्ट करके आपको वेदर डिपार्टमेंट से प्री मतलब कि वार्निंग, अलर्ट वार्निंग जारी कराने का प्रयास करिएगा, मीडिया में एडवर्टाइजमेंट जारी करिएगा कि यहाँ पे मतलब कि आने वाला है, तड़का है, बाढ़ है, तो वहाँ से लोग पहले हट जाएँ, फंड वगैरह जारी करवाइएगा ताकि आ जाए तो उसको आप टैकल किया जा सके, ट्रेनिंग भी जो पीपुल है वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, पोस्ट डीएस में हेल्थ से रिलेटेड आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिसिनल वगैरह या कैंप वगैरह लगवा सकते हैं, एनजीओ का हेल्प ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं, कुछ डैम वगैरह बनवा सकते हैं, तो ये अपने तरफ से कुछ प्रयास करिएगा बनाने का। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकता है, जैसे कि मॉब वगैरह मैंने ऊपर ही बोल दिया, कैसे कंट्रोल करिएगा, फेस्टिवल चल रहा है तो आप बताइए, इसको आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग तैयार करके कमेंट बताइएगा। कम्युनल हारमोनी कैसे मेंटेन करिएगा, पीस को कैसे मेंटेन करिएगा, लोकल लीडर से बात करिएगा या रिलीजियस मतलब लीडर जो होता है, जैसे हमारे हिंदू हैं मुस्लिम हैं, तो एक एक नेता जो होंगे ना उनको जैसे कि आप बात कर सकते हैं, उनसे बोलिएगा कि वो लोग आपको कंट्रोल करने का प्रयास करें, कन्विंस करने का प्रयास करें, ठीक है। तो जो ये सब कर सकते हैं आप लोग, बॉन्ड भी लिखवा सकते हैं कि आप लोग जा रहे हैं, कोई इशू होगा तो आप लोग जिम्मा रहे हैं या नहीं है, तो इस तरह का चीज़ तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। धारा 144 पी
पीस के लिए लागू कर देंगे, ये सब बता सकते हैं आप लोग। राइट्स वगैरह हो रहा तो सीसीटीवी को हर जगह लगा रहेंगे, पुलिस को तैनात रखेंगे, इन्फॉर्मर को तैनात रखेंगे, ड्रोन का यूज कर सकते हैं आप लोग, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। जैसे कि डीएम जो है 1861 के अकॉर्डिंग हेड होता है लॉ एंड ऑर्डर का, पार्लियामेंट्री फोर्स पावर का, तो मार्शल लॉ भी आप लगा सकते हैं अगर राइट्स हो गया तो। पुलिस फोर्स का यूज कर सकते हैं अगर सामाजिक तत्व उसमें कंट्रोल इन्वॉल्व हो गया है, आंसू गैस छोड़ सकते हैं, लाठी चार्ज अगर आपको जरूरत पड़े तो वो भी करा सकते हैं, और क्राइड को डिस्पर्स करने के लिए भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ देखिए, एक हम लोग यहाँ पे मतलब कि शॉर्ट में ही आपको बताने का प्रयास किया है, लेकिन इतना में जितना चीज़ मैंने बता दिया अगर उस पर अगर वर्क करते हैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो 10th पिलर हम लोग का कंप्लीट होता है, इसको हम लोग मैराथन में क्लब करके डालेंगे। उस तरह से आप लोग जैसे कि मॉक इंटरव्यू देखना चाहते हो इस साल का, या कोई और दिए हो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो हम लोग डाल दिए हैं, ये प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको अपने मतलब कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जैसे ब्रिज का हम लोगों ने डाल दिया है 6 मेंबर कंट्री ये हो रहे हैं, तो आपको ये फैक्चुअल मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 69th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं G20 में इंडिया में ये कर रहा है आपको प्रेसिडेंटशिप, तो ये सारा चीज़ आपको तैयार करना है। आदित्य एलवन, चंद्रयान 3, लूना 25, बहुत सारा टॉपिक्स हम लोगों ने डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये करंट अफेयर का नेशनल और बिहार का हम लोगों ने एक आपको मैराथन सेशन डाल दिया 2.5 घंटे का, वो देख सकते हैं। एक और करंट अफेयर जल्दी आने वाला है 1.5 घंटे का, तो उसको भी देख लीजिएगा अभी का लेटेस्ट। और फिर इसके बाद जैसे ही रिजल्ट आता है, अभी जैसे कि काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया गया है, कल आपको 5 तारीख को ये आने वाला है आपको ये जजमेंट। तो उसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो हम लोग एक और उसके बाद जो मतलब 11 से अगर चालू होता है, तो बीच में जितना भी आपको चलता रहेगा ये इशू हम लोग उसको आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक करेगा वीडियो को। इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू और एंड ऑफ अपकमिंग 69th BPSC। तो लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। लास्ट में ही कहूँगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है दोस्तों, लौरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। तो मेहनत करते रहें, सफलता आपके कदमों में होगी एंड आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। जब तक आपके अंदर आपका मतलब कि कुछ कर गुजरने का जुनून है, आपके अंदर लगन है मेहनत करने का, तो आप लोग मेहनत करिए। इंटरव्यू के बाद आपको अगर मान लीजिए 69th BPSC भी है, अगर नहीं भी होता है तो कुछ कोई बात नहीं, UPSC है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग मतलब की तैयारी कर सकते हैं। मेंस का भी हम लोग लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।